जय हिंद दोस्तों आज के इस मास्टर वीडियो में पूरा तरीका से दक्षिणी छोटा नागपुर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत जो पांच जिले होते हैं उस सब को डिटेल से समझेंगे चाहे वो रांची हो चाहे वो लोहरदगा हो चाहे वो खुट्टी हो गुमला हो सिमडेगा हो सबको डिटेल से समझेंगे और समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे बस आप चीज़ों को अच्छे से देखते चलिए आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आने वाला है और बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको आपके लिए ये बहुत क्लास यूजफुल होने वाला है तो देखिए यहाँ पे कोशिश करना है कि सब कुछ चीज़ों को लिखते भी चलिए अगर हो सके तो लिखते भी चलिएगा अगर अपने सपने को पूरा करना है तो लिखते भी चलिएगा और एक बात लड़की लोग जो है ना वो सभी देखा कीजिए क्या लड़की लोग भी थोड़ा देखा कीजिए लड़की लोग बहुत कम देखती है तो देखिए एक बहुत फेमस गाना है मतलब अगर झारखंड में देखेंगे एक बहुत फेमस गाना है साइकिल से सेली छोड़ी साइकिल से गए है ना ये गाना साइकिल से ली छोड़ी साइकिल से गए मतलब मेरे कहने का मतलब है खाली साइकिले से नहीं चल भी गए कहने का मतलब है कि कभी स्कूटी ले भी कि ना गए कभी कार ले भी कि ना गए कभी हेलीकॉप्टर में घुर भी कि ना गए ये तभी नहीं हो तो गे जब पैसा कमे भी तो मेरे कहने का मतलब है बहुत फेमस गाना है साइकिल से ली छोड़ी साइकिल से गए तो झारखंड में खाली साइकिलें से चढ़ भी कि स्कूटी स्कूटी ले भी गाड़ी उड़ी ले भी तो मेरे कहने का मतलब है कि पैसा कमाइए पैसा कैसे कमाएंगे जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे जब ऑफिसर बनेंगे बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर आप पैसा कमाएंगे तब जाकर वो साइकिल छूटेगा तब साइकिल छूटेगा तब जाकर स्कूटी आएगा कार आएगा एरोप्लेन पर ट्रैवल घूमेंगे ट्रैवल करेंगे तो मेरे कहने का मतलब है खाली साइकिल से ली छोड़ी साइकिल से गए से काम नहीं चलने वाला है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्या थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पढ़िए मन से ठीक है नहीं तो खाली साइकिले से घूमते रहिएगा तो बहुत अच्छा से पढ़िए सब कुछ समझते चलिए आपको बहुत अच्छा चीज़ें समझ में आएगी हम गारंटी देते हैं आपको ये साढ़े पाँच घंटा का वीडियो लगभग रहेगा उसमें कहीं भी आपको बदरेसर नहीं लगेगा कहीं भी दिमाग पर भार नहीं पड़ेगा मतलब कोशिश किया गया है कि आपको हंसी मजाक करते हुए सब कुछ सिखा दिया जाए मतलब बहुत अच्छा क्लास लगेगा इंटरटेनमेंट भी होते हुए चलेगा कोई क्लास बुरा तरीका से आप देखिएगा आपको कहीं भी बोर नहीं लगेगा कोशिश तो ये किया गया है तो आप देखिए क्लास जय हिंद दोस्तों आज झारखंड का शुरुआत करते हैं और शुरू से झारखंड को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल जीरो से चलेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बिहार से झारखंड कैसे बना इसके पहले बंगाल से बिहार कैसे बना कुछ बंगाल के बारे में कुछ बिहार के बारे में और कुछ झारखंड के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ साथ में उड़ीसा के भी बारे में जानेंगे क्योंकि उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ था तो एक प्रकार से अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बस आप क्या करेंगे क्या कि एक पेन पेपर लेकर बैठेंगे और वो पेन पेपर अगर लेकर बैठेंगे तो थोड़ा कुछ नया चीज़ अगर लगेगा आपको तो उसको नोट डाउन करते चलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी तो देखिए सबसे पहले हम बिहार को जानने से पहले उसके पहले बंगाल की स्थिति को जानते हैं उसके पहले कुछ अंग्रेजों का यहाँ पे अस्तित्व क्या था उसको जानेंगे और थोड़ा थोड़ा समझते हुए हम झारखंड तक पहुँचने का कोशिश करेंगे देखिए दोस्तों अगर सपना पूरा करना हो ना तो पेन पेपर सब लेकर बैठे रहिए केवल बिस्तर में घुस करके बैठने से काम नहीं चलेगा हाथ पैर चलाना पड़ेगा देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि एक लड़ाई हुआ था सत्रह सौ ईस्वी में सत्रह सौ सन्तावन ईस्वी में जो लड़ाई हुआ था वो कौन सा लड़ाई था तो प्लासी तो ये प्लासी का जो लड़ाई था ठीक है ये प्लासी का जो लड़ाई था वो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सेना नेतृत्व करता था और इधर से था कौन सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक था इन दोनों के बीच में क्या हुआ था एक प्लासी की लड़ाई हुआ था वैसे प्लासी का लड़ाई कुछ हुआ नहीं कहने का मतलब है कि सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया जो सिराजुद्दौला का सेना नेतृत्व करने वाला था मीर जाफर वो जाकर मिल गया था रॉबर्ट क्लाइव के साथ और इस तरह से बिना युद्ध हुए ही ये पलासी की लड़ाई समाप्त हो गई थी और सिराजुदौला हार गया था बाद में सिराजुदौला को मार दिया जाता है और बंगाल का शासक किसको बना दिया जाता है तो मीर जाफर को बना दिया जाता है तो रॉबर्ट क्लाइफ जो पहला गवर्नर जनरल आता है गवर्नर आता है वो ऐसा काम करता है तो पलासी की लड़ाई में बंगाल का क्षेत्र देखेंगे तो बंगाल का क्षेत्र में अधिकार किसका हो जाता है तो वो अंग्रेजों का हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बंगाल का शासक हुआ करता है सिराज उदौला उसको कौन हरा देता है तो रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है तो कहने का मतलब है कि बंगाल में इसका अस्तित्व बन जाता है किसका अंग्रेजों का तो कहने का मतलब आगे फिर देखेंगे थोड़ा देखिए इतिहास में हम प्लासी को पूरा समझेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहाँ पे प्लासी को हम ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हम झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्लासी की लड़ाई हम थोड़ा सा समझ गए अब इसके बाद दूसरा लड़ाई होता है आपको पता होगा कि सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में एक लड़ाई होता है बक्सर ठीक है ये बक्सर का जो लड़ाई होता है इसमें होता क्या है कि तीन बड़े बड़े शासक जैसे मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय उसके बाद अवध का शासक जो होता है सुजाउद्दीन ठीक है और एक अबदस्त नवाब जो बंगाल का होता है मीर कासिम ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के साथ बक्सर के मैदान में लड़ाई करते हैं और बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व करता है बक्सर के लड़ाई का तो इस क्या करता है कि ये हरा देता है तीनों सेना को संयुक्त रूप से कौन हरा देता है हेक्टर मुनरो तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मुगल जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसका शासक जो होता है आपका देखेंगे तो कौन तो शाह आलम द्वितीय अगर इसके बाद अगर अच्छे से देखिएगा तो अवध का शासक भी बहुत मजबूत शासक होता है सुजाउद्दीन वो भी हार जाता है और एक अबदस्त बंगाल का नवाब होता है मीर कासिम तो ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज से हार जाती है तो यहाँ से अंग्रेजों का पूरा अस्तित्व बंगाल के ऊपर में और भारत के ऊपर में व्यापक स्तर पर हो जाता है और भारतीय लोग भी यह मान लेता है कि जब इतने बड़े बड़े शासक अंग्रेजों से हार गए तो हम किस खेत की मूल्य हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे यही मानसिकता के साथ भारतीयों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों से वो हार मान लिए और यही मानसिकता के साथ आपको पता होगा कि भारत 200 सालों तक 200 वर्षों तक भारत क्या रहा गुलाम रहा इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े तीन शासक अगर अंग्रेजों से हार गए तो हम किस खेत की मूल्य हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे अंग्रेजों को तो अंग्रेजों को ही ये माँ बाप मान लिए और यही मानसिकता के साथ में यही मानसिकता के साथ में ये आगे बढ़े और इसके बाद 200 सालों तक अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया तो ये थोड़ा सा बात हुआ बक्सर का लड़ाई तक अब यहाँ पे बक्सर का लड़ाई जो हुआ तो इसमें जब अंग्रेजों की जीत हुई तो अंग्रेजों ने एक संधि किया था ये सत्रह ईस्वी के बाद सत्रह ईस्वी में क्या होता है इलाहाबाद की संधि होता है सत्रह ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है इलाहाबाद की संधि होता है ठीक है और यह संधि जो होता है इलाहाबाद की संधि होता है इसमें अलग अलग संधि अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है आपको पता होगा कि 16 अगस्त को एक संधि होता है एक 12 अगस्त को संधि होता है तो 12 अगस्त को जो संधि होता है वो मुगल शासक के साथ होता है जो शाह लम द्वितीय होता है उसके साथ होता है एक सोलह अगस्त को होता है उन्नीस सौ पैंसठ ईस्वी में वो अवध के शासक के साथ होता है तो ये मुगल शासक के साथ जो संधि होता है इसके तहत अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज क्या करते हैं कि बिहार बिहार ठीक है बंगाल बंगाल और एक आपका उड़ीसा ठीक है एक आता है उड़ीसा ये तीनों की दीवानी जो है वो अंग्रेज ले, ले लेते हैं किससे तो ये ले, ले लेते हैं आपका मुगल शासक से ठीक है और ये जो दीवानी लेते हैं तो आपको पता है कि बिहार भी बंगाल में मिला हुआ था और उड़ीसा भी बंगाल में मिला हुआ था ठीक है तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है तो कहने का मतलब अब हम कहाँ आ रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब है कि अब हम बिहार तक आए तो बिहार से अब धीरे धीरे हम झारखंड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि जब इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज के अधीन ये चला गया बिहार बंगाल और उड़ीसा तो ये उड़ीसा भी बंगाल में था बिहार भी बंगाल में था अब हुआ क्या कि जब ये दोनों इसमें शामिल था बंगाल में शामिल था तो बिहार के क्षेत्र में कोई राजनीतिक जो सक्रिय व्यक्ति थे वो कोई नहीं थे इस समय बोला जाता है कि ये प्रारंभिक में यहाँ पर राजनीतिक रूप से कोई सक्रिय व्यक्ति नहीं हुआ करता था उन्नीस से पहले पहली बार 1912 सौ ईस्वी में ठीक है 1912 सौ ईस्वी में एक सचिदानंद सिन्हा आपको पता होगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बने थे 1946 सौ ईस्वी को आपको पता होगा और उसके बाद 11 दिसंबर को तुरंत बन गए थे राजेंद्र प्रसाद तो कहने का मतलब ये बुजुर्ग थे इसीलिए उनको सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अध्यक्ष ठीक है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था कुछ समय के लिए तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 1912 सौ ईस्वी में पहली बार एक राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति बिहार राजनीतिक में आए और इन्होंने सबसे पहले बिहार का जो प्रांत को अलग करने का काम यहाँ पे किया मतलब बिहार को अलग करने का सबसे पहला प्रयास सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यहाँ पे किया गया था तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे मतलब बंगाल से बंगाल से किसको अलग किया गया तो बिहार को 1912 सौ ईस्वी में अलग करने का मेन रोल जो बोला जाए तो किसका होता है तो सचिदान सिन्हा का होता है तो मेरे कहने का मतलब है कि बंगाल से बिहार कब बना तो आपको पता होगा कि देखिए 22 मार्च 22 मार्च ठीक है 22 मार्च 1912 सौ ईस्वी को ठीक है 22 मार्च 1912 सौ ईस्वी को बिहार प्रांत बिहार प्रांत ठीक है बिहार प्रांत बना ठीक है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ 22 मार्च को हुआ बिहार प्रांत का गठन अब इसके बाद आपको दिमाग में रखना है कि बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 सौ ईस्वी को हुआ ठीक है इसके बाद हुआ क्या कि स्थापना बोला जाए तो स्थापना जो है स्थापना जो बिहार का हुआ वो एक अप्रैल ठीक है एक अप्रैल 1912 सौ ईस्वी को ये बिहार की स्थापना हुआ तो कहने का मतलब है कि बिहार का स्थापना पूछा जाए तो एक अप्रैल उन्नीस सौ बारह ईस्वी को हुआ लेकिन बिहार प्रांत कब गठित हुआ था ये पूछा जाए तो ये बाईस मार्च उन्नीस सौ बारह ईस्वी को गठित हुआ था लेकिन बिहार जो है ना अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है तो बिहार अपनी स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाता है इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा बिहार जो है ना अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को ही मनाता है क्योंकि इसका गठन एक प्रकार से अलग बंगाल से कब हो गया था तो 22 मार्च को ही हो गया था इसीलिए बिहार जो है वो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है तो ये 22 मार्च को ही मनाता है लेकिन रियल में देखा जाए तो इसकी बिहार की स्थापना कब हुआ है एक अप्रैल 1912 सौ ईस्वी को हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से तो बंगाल से बिहार क्या हो गया अलग हो गया अब देखिए जो ये बिहार अलग हुआ बिहार जो अलग हुआ इसमें शामिल कौन सा था तो इसमें जो है वो उड़ीसा भी शामिल था इसमें कौन कौन सा शामिल था तो देखिए उड़ीसा भी इसमें शामिल है उड़ीसा इसमें शामिल है ठीक है और इसमें झारखंड भी शामिल था ठीक है इसमें झारखंड भी शामिल था तो देखिए अगर राजनीतिक रूप से अगर ये पूरी तरीका से बंगाल से अलग हो गया शासन प्रशासन की दृष्टि से बंगाल से अलग हो गया तो बिहार का भी क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया अगर आप उड़ीसा और उसके बाद इसको मिला दीजिएगा झारखंड को आप अच्छे से मिला दीजिए तो ये जो क्षेत्र होता है ना वो व्यापक बन जाएगा बहुत बड़ा क्षेत्र बिहार का हो जाता था तो प्रशासनिक रूप से जो संचालन करने में बहुत सारी बाधाएं आती थी बिहार को पूरी तरीका से मैनेज करना मुश्किल होता था तो प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको दिमाग में रखना है यहाँ कि एक अप्रैल एक अप्रैल 1936 ईस्वी को ये एक अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से जो उड़ीसा है वो अलग हो गया तो बिहार का पहला जो विभाजन हुआ वो एक अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये अलग हो गया अब यहाँ पे बात आता है कि ये झारखंड इसके बाद दूसरा विभाजन हुआ और बिहार का जो दूसरा विभाजन हुआ तो झारखंड कब बना तो ये पंद्रह नवंबर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अस्तित्व में आया तो देखिए ये जो झारखंड जो अस्तित्व में आया तो मेनली हमको इसको पढ़ना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार का स्थापना कब हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है तो 22 मार्च को मनाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ था तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए जो ये झारखंड बना 15 नवंबर 2000 हजार ईस्वी को बना इसके पीछे कितना खेला चला वो समझना बहुत जरूरी है अगर आप उन चीजों को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो देखिए बिहार का को अगर हम काट कर झारखंड बनाए तो उससे पहले किस तरह का स्थिति चला था वो समझ लीजिए तो देखिए सबसे पहले 25 जो पच्चीस अप्रैल है ठीक है तो 25 अप्रैल 2000 हजार ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास होता है 25 अप्रैल 2000 हजार ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास होता है यहां पे, ठीक है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो पास होता है वो विधेयक संख्या कितना होता है उन्तीस ठीक है विधेयक संख्या उन्तीस होता है तो आपसे पूछेगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हुआ उसमें कितने कानून संख्या के तहत झारखंड विधेयक को पास किया गया उन्तीस कानून संख्या के तहत झारखंड विधेयक को पास किया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा कानून संख्या उनतीस के तहत बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पास हुआ और यहाँ से बिहार विधानसभा के द्वारा झारखंड को अलग करने की मंजूरी मिल गई अब हुआ क्या कि ये लोकसभा में गया अब लोकसभा में 2 अगस्त ठीक है दो अगस्त दो हजार ईस्वी को इस पर मोहर लगा दिया गया दो अगस्त दो हजार ईस्वी को इस पर मोहर लगाया कौन तो ये लोकसभा इस पर मोहर लगाया आपको पता होगा कि लोकसभा जब मोहर लगाता है तो उसके बाद राज्यसभा में भी उसको भेजा जाता है तो राज्यसभा में इसको भेजा गया तो राज्यसभा जो है ग्यारह अगस्त ठीक है ग्यारह अगस्त दो हजार ईस्वी को इस बिल को मंजूरी दे दी कहने का मतलब बिहार विधानसभा पच्चीस अप्रैल को मंजूरी दिया कानून संख्या 29 के तहत उसके बाद यहां पे ये कानून संख्या 29 का मतलब उतना नंबर का विधेयक था बिहार का ठीक है तो इसको दिमाग में रखिएगा इसके बाद दो अगस्त को लोकसभा मंजूरी दिया ग्यारह अगस्त को राज्यसभा ठीक है राज्यसभा ठीक है और ये लोकसभा अब यहां पर होता क्या है कि ये राज्यसभा लोकसभा जब पास कर दिया इसको तो आगे ये राष्ट्रपति पास गया और राष्ट्रपति पूरा इसको समझने में टाइम लिए और आपको पता होगा कि 25 अगस्त ठीक है 25 अगस्त 2000 हजार ईस्वी को राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इस बिल का बिल पर अपना मोहर लगा दिया मतलब के आर नारायणन ने 25 अगस्त दो ईस्वी को इस पर मोहर लगा दिया और इस तरह से भारत राज्य का भारत का एक 28वां गणराज्य के रूप में 28वां राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया मतलब भारत एक गणराज्य का 28वां राज्य कौन बना झारखंड बना ठीक है तो झारखंड का जो गठन है वो एक प्रकार से कब हुआ तो पंद्रह नवम्बर ठीक है पंद्रह नवम्बर दो हज़ार ईस्वी को ये झारखंड अस्तित्व में आया तो कहने का मतलब इस तरह से चीजें हुई हैं थोड़ा इसको समझ लीजिएगा तो आपको बहुत काम देगा यहाँ पे ठीक है तो 15 नवंबर को 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना अब यहाँ पे बात आता है कि 15 नवंबर को झारखंड 28वां राज्य बना था तो 27वां भी इसी के साथ बना था और 26वां भी इसी के साथ बना था तो वो कौन सा कौन सा है और किस किस से कट के बना था तो इसको भी पूछ लिया करता है कभी क्योंकि एक ही साथ ना बना है झारखंड देखिए झारखंड के ही साथ बना है तो झारखंड का सब भाई हो गया जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड का भाई हो गया क्योंकि झारखंड के साथ ही बना है तो उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ पूछ लेता है अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है तो देखिए पंद्रह नवंबर को तो झारखंड बना लेकिन हम लिखे कहाँ पर तो देखिए पंद्रह नवंबर को झारखंड बना अब यहाँ पर देखेंगे कि एक एक नवंबर को ठीक है एक नवंबर को सबसे पहले एक नवंबर 2000 हजार ईस्वी को आपको पता होगा एक राज्य जो मेरे बगल में पड़ता है मेरे बगल में ही पड़ता है मेरा पड़ोसी है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ठीक है तो ये छत्तीसगढ़ बना एक नवंबर 2000 हजार ईस्वी को छत्तीसगढ़ बना और किससे कटकर बना ये मध्य प्रदेश से कटके बना बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किससे कटके बना मध्य प्रदेश से कटके बना कब बना एक नवंबर 2000 हजार ईस्वी को ये बना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है समझे इसके बाद कहने का मतलब इसके बाद नौ नवंबर ठीक है नौ नवंबर का डेट आता है दो ईस्वी को और नौ नवंबर दो ईस्वी को एक राज्य बना उत्तराखंड अब ये उत्तराखंड 9 नवंबर को अस्तित्व तो में आया बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 9 नवंबर को कौन सा राज्य बना था 2000 ईस्वी में तो ये उत्तराखंड बना था और किससे कट के बना था उत्तर प्रदेश से कट के बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के बना एक नवंबर दो ईस्वी को उत्तराखंड किससे कट के बना उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर को कट के बना किससे बना तो उत्तर प्रदेश से कट के बना इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ है वो कितना हुआ राज्य होगा तो छत्तीसगढ़ जो है वो छब्बीसवां राज्य होगा अगर उत्तराखंड बोले तो ये सत्ताईसवां राज्य होगा और झारखंड जो यहाँ पर देखें ये झारखंड है वो अट्ठाइसवां राज्य होगा ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे क्योंकि झारखंड का ये सब भाई लोग है छत्तीसगढ़ भी इसका भाई होगा और इसका उत्तराखंड भी इसका भाई ही है क्योंकि ये एक साथ ये सब बना है दो हज़ार ईस्वी में तो इसको दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कुछ चीजें अगर आपको लगता हो कि ये लिखने वाला है तो नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ साथ में ठीक है तो चलिए इसको मिटाते हैं अब झारखंड जब बन गया तो झारखंड दिखाते हैं कैसा है एकदम बिल्कुल मैप से एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है बस एक बार चीजों को अच्छे से समझे और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिएगा वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर किया कीजिएगा क्योंकि देखिए यूट्यूब भी अपने हिसाब से शेयर करता है दोस्तों क्या यूट्यूब भी अपने हिसाब से शेयर करता है लेकिन यूट्यूब जो शेयर करता है ना उसका चाल कुछ ऐसे होता है जैसे कहने का मतलब ना जब महिला लोग को ससुराल से मतलब नहर से ससुराल आना होता है ना नहर से जब ससुराल आना होता है तो जो चाल होता है ना उस चाल से करता है शेयर कहने का मतलब है कि नहर से ससुराल लोग महिला लोग का नहीं आना चाहती लड़कियां लोग नहर से ससुराल आने में बड़ा टेंशन हो जाता है उसको माथा दर्द पेट दर्द उसके बाद और कुछ दर्द बड़ी सारा दर्द करने लगता है इसलिए क्योंकि वो अपने घर से आ रही है मतलब कहाँ पर ससुराल लेकिन अगर आप लोग जब शेयर करेंगे ना तो आप थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत फास्ट होगा जैसे महिला लोग को ससुराल से अगर नहर आना हो तब वो सब इतना फास्ट तैयार होगी गलती से अगर महिला लोग को अगर तबियत ख़राब हो गया लड़की लोग को बोल रही अगर है अगर आपकी पत्नी है अगर शादी हुआ है तो अगर आपकी पत्नी अगर बोल रही है कि माथा दर्द कर रहा है पेट दर्द कर रहा है और और कुछ पीठ दर्द कर रहा है पैर दर्द कर रहा है अगर ऐसा कह रही है तो गलती से खाली बोल दीजिए कि सुनती है सो माँ बुलाई है तुमको तुरंत अब सुटके सुटके से लेकर तैयार हो जाएगी माथा दर्द उसका गायब हो जाएगा दोस्तों पूरा माथा दर्द गायब हो जाएगा एकदम स्पीड में लिपस्टिक विस्टिक भी नहीं लगाएगी एकदम सीधा निकल जाएगी कहाँ के लिए अपना घर जाने के लिए क्योंकि उसको माँ के पास मिलने के लिए जाना है मतलब सुराल से नहर जाने के लिए एकदम स्पीड फास्ट होता है तो अगर आप लोग थोड़ा वीडियो शेयर करेंगे तो वो ऐसे शेयर करेंगे और यूट्यूब का चाल तो ऐसे होता है आपको बतेवे किए कि जैसे नेहर से ससुराल महिला लोग आती है लड़की लोग तो सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे होता है तो वैसे होता है तो थोड़ा चीज़ों को समझिए और शेयर कीजिए पूरा मज़े से पढ़िएगा आपको पूरा इंटरटेनमेंट करके भी मज़े से पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा चलिए आगे देखते हैं कहाँ गया मिटाने वाला स्लाब वो हो गायब हो गया का भाई कहां चला गया देखिए अब झारखंड जो है वो 15 नवंबर ठीक है 15 नवंबर 2020 को झारखंड बना बिहार से अलग होकर बना तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे के आर नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे भारत के क्योंकि वही अंतिम सिग्नेचर उन्हीं का था तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो ये दिमाग में रखेंगे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान कौन जोड़े थे तो यही अटल बिहारी वाजपेयी जोड़े थे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे तो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री कौन थी तो वो भी दिमाग में रखेंगे वो थी कौन तो राबड़ी देवी थी ठीक है उन्हीं के पति जो है लालू यादव जब झारखंड आंदोलन चल रहा था झारखंड अलग मांग चल रहा था तो वो दिल्ली से उन्नीस बानवे ईस्वी में बोले थे कि बिहार मेरा लाशों पर बनेगा इस तरह का शब्द बोले थे वो वो तो झारखंड आंदोलन जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ सब डिटेल से एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल अभी हम जानेंगे कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया अब बिहार से जब अलग हुआ तो कहने का मतलब है कि झारखंड जब बना तो झारखंड का एक प्रकार से फादर फादर कौन हुआ तो बिहार हुआ तो कहने का मतलब जब बाप हुआ बाप से बेटा जब अलग हुआ तो कहने का मतलब उसको विरासत स्वरूप क्या मिला ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गठन हुआ तो उसको क्या मिला बिहार से झारखंड को क्या मिला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड को क्या मिला तो आप समझेंगे यहाँ पर दो चीज़ एक होता है क्षेत्र ठीक है तो एक क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर क्षेत्र क्या मिला और एक जनसंख्या ठीक है जनसंख्या ये क्षेत्र और जनसंख्या देखेंगे तो क्षेत्र कितना मिला और जनसंख्या कितना मिला तो देखिए बाप जो होता है वो बहुत खुददार इंसान होता है वो बेटा को कम नहीं देता है एक प्रकार से बहुत देता है तो अच्छे से आप देखिएगा तो जो क्षेत्र है वो पैंतालीस पॉइंट एट परसेंट है पैंतालीस पॉइंट एट प्रतिशत क्षेत्रफल लगभग इसको समझिए छियालीस परसेंट मतलब आधा लगभग क्षेत्र दे दिया किसको झारखंड को कौन बिहार और अगर जनसंख्या बोला जाए तो 25 प्रतिशत दिया मतलब एक चौथाई जनसंख्या दिया मतलब जनसंख्या मात्र एक चौथाई दिया मतलब 25 प्रतिशत दिया और क्षेत्रफल कितना दिया लगभग आधा 45.8 प्रतिशत इसको क्षेत्रफल मिला तो ये तो इसके लिए फायदा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की संख्या कम हो गई तो इसका मतलब है कि बिहार से जनसंख्या घनत्व तो इसका कम होगा लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जनसंख्या रह गया आपको पता है मात्र समझिए कि 50 प्रतिशत जनसंख्या बावन चौवन प्रतिशत जो क्षेत्रफल है उसमें 75 प्रतिशत जनसंख्या उसके निवास करती है इसीलिए आज बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत में राज्यों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है ग्यारह सौ किसका है तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो है तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो इतना इसलिए बढ़ा क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही झारखंड को लगभग आधा क्षेत्र दे दिया था और जनसंख्या का मात्र पच्चीस हिस्से में दिया जिसके कारण इसका जो जमीन है वो कम हो गया और जनसंख्या जो है मैदानी क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रह गया जो आज भी बढ़ा हुआ है तो ये चीज आपको समझने वाला था तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको अब यहाँ क्षेत्र मिल गया तो झारखंड अब देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर इसका बना किस तरह झारखंड बना इसको हम अच्छे से देखते हैं आपको बहुत मज़े से समझने को मिलेगा और सब चीज़ों को एक एक करके समझते चलेंगे देखिए सबसे पहले आप देखेंगे झारखंड कैसा बना ठीक है तो यहाँ पे हम अपने से मैप बना रहे हैं आप लोग भी बना लीजिएगा ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा देखिए एक मैप हम बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है झारखंड का ये आपका झारखंड है अब नहीं बनेगा अच्छा तो उसमें कोई बात नहीं हमको चीजों सम, चीजों को समझना है ये हम कोई कलाकार तो है नहीं कि कोई मैं मतलब बना दे अच्छे से ठीक है इस तरह का मान लेते हैं झारखंड है ठीक है अब ये जो झारखंड है अब सबसे पहले ये झारखंड है अच्छे से देख लीजिए ठीक है यहाँ पर ये जो झारखंड है अब ये झारखंड इतना बड़ा एरिया है जिसको तो प्रशासनिक रूप से चलाने में तो दिक्कतें आएंगी एक जगह से तो चलाया नहीं जा सकता है सबसे पहले इसको समझिए ये उत्तर है ठीक है उत्तर में कौन सा राज्य होगा तो बिहार होगा ठीक है यहाँ पे बिहार होगा इसके बाद ये दक्षिण है दक्षिण है अब ये दक्षिण में कौन सा होगा उड़ीसा उड़ीसा होगा इधर इधर ये पूरब है अब पूरब में कौन होगा तो पश्चिम बंगाल होगा ठीक और इधर अगर आप देखेंगे पश्चिम है तो पश्चिम में कौन सा होगा पश्चिम में ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ होगा और यहां पे जो इसी साइड में देखेंगे तो एक होता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश थोड़ा सा एक उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र जिला सोनभद्र जिला जो है वो केवल झारखंड से सीमा लगाता है और पूरा भारत का एकमात्र वैसा जिला है जो चार चार राज्य से सीमा बनाता है कौन सोनभद्र आप अच्छे से देखेंगे तो सोनभद्र जो है इधर बिहार से भी सीमा बनाता है यहाँ पे झारखंड से भी बनाता है छत्तीसगढ़ से भी बनाता है और इधर मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है कौन तो वो आपका सोनभद्र जिला तो बहुत इंपॉर्टेंट जिला है वो चार चार राज्य से सीमा बनाता है सोनभद्र जिला तो इंपॉर्टेंट होगा झारखंड में ये गढ़वा से सीमा बनाता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के उत्तर में कौन है तो बिहार झारखंड के पूर्व में कौन है पश्चिम बंगाल झारखंड के पश्चिम दक्षिण में कौन है उड़ीसा झारखंड के पश्चिम में कौन है छत्तीसगढ़ ये तो नॉर्मल बात हो गई लेकिन एक दो बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा करता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल से झारखंड किधर है ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पश्चिम बंगाल से के पश्चिम में है पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है कौन झारखंड अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ से झारखंड किधर है तो छत्तीसगढ़ के पूरब में है झारखंड ठीक है इसी तरह से उड़ीसा के किस ओर झारखंड है तो उड़ीसा से उत्तर की ओर झारखंड है और बिहार से पूछा जाए तो बिहार से दक्षिण की ओर कौन है झारखंड है ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है इसको भी दिमाग में रखिएगा अब यहाँ जो बिहार इसीलिए देखिए बिहार के ये दक्षिण में है तो ये जो क्षेत्र हुआ करता था बिहार में तो इसको दक्षिणी बिहार भी कहा जाता था जब ये झारखंड में संयुक्त रूप से था तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे बात होता है ऊपर इसकी लंबाई चौड़ाई की कर लेते हैं थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई का तो देखिए सबसे पहले उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई है वो कितना है तो 300 380 किलोमीटर ये दिमाग में रखेंगे 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और अगर इधर से पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितना है तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा है ठीक है तो चार किलोमीटर ये लंबा है ये भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लंबाई क्या है तो ये तो कॉमन बात हो गया सबको पता है तो इसमें रटने की बात तो है नहीं ये चीज तो ये आपका एक नॉर्मल बात हो गया अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं इसका छोर जैसे इसका अच्छांसीय विस्तार इसका देशांतरीय विस्तार को समझते हैं देखिए अच्छांसीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो होता है वो आप ज्योग्राफी में अच्छे से समझेंगे अगर वहाँ पे समझे होंगे तो यहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा वैसे हम यहाँ पे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सिंपल हम चलेंगे देखिए सबसे पहले जो देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो होता है वो इधर जो पश्चिम से पूरब की ओर हम चलते हैं तो यहाँ से अगर ये देखेंगे एकदम पूरा छोर जो होता है यहाँ पे सबसे जो प्रारंभ कहाँ से होता है ठीक है ये देखा जाता है तो आपको पता है जो देशांतर है इस तरह से चलती है ठीक है तो यहाँ से प्रारंभ होता है तो ये बिंदु जो है वो गढ़वा में आपको अच्छा से पता होगा कि ये बिंदु जो है वो गढ़वा में है और ये कहाँ से प्रारंभ होता है तो अच्छा से पता होगा कि तिरासी डिग्री उन्नीस मिनट और पचास सेकेंड से ये प्रारंभ होता है और ये कहां है गढ़वा में गढ़वा में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ये कहां से प्रारंभ होता है तो ये गढ़वा में इसको पूछता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है सॉरी सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन है तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है ये गढ़वा है और ये कितना डिग्री पर है देशांतर पर तो ध्यान में रखना है यहाँ पे तिरासी डिग्री उन्नीस मिनट पचास सेकेंड ये पूर्वी देशांतर पर है ठीक है और इधर कहाँ तक है इधर भी इसका कोई स्थान होगा थोड़ा हम बनाए ढंग से नहीं है इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा तो एक जगह होता है ऐसे करके जगह है यहाँ पे तो ये जो जगह है अगर अच्छा से देखिएगा तो सत्तासी संतावन ठीक है सतासी डिग्री सतावन मिनट ये सतासी डिग्री जो संतावन मिनट है ये जगह कहां आप पर है इसको कहते हैं सबसे पूर्वोत्तर बिंदु पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो कहां तक है तो ये है पाकुड़ ठीक है तो पाकुड़ तक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है तिरासी उन्नीस पचास गढ़वा इसका जो दसी आपका पसीनतम बिंदु है वहां से कहां तक है इसका तो ये पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो सतासी संतावन पाकुड़ तक इसका जो पूर्वोत्तर बिंदु है वो पाकुड़ में है कभी बिंदु भी पूछ ले तो दिमाग में रखेंगे अब यहां पे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार देखेंगे ये था देशांतरीय विस्तार अक्षांश जो है ऐसे चालू होता है आपको पता होगा ये गोलार्ध है तो ये विश्वत रेखा है अब ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ठीक है तो पूरा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में तो ये उत्तरी अच्छांश यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कहने का मतलब इस तरह से अगर यहां पे अच्छांश देखेंगे तो एक अच्छा यहां से टच करके जाता है ये क्षेत्र थोड़ा ऊपर में ही ठीक है थीके? ये थोड़ा क्षेत्र ऊपर में है यहां पे जो टच कर रहा है ठीक है ये यहां पर अगर देखेंगे तो टच कर रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि इक्कीस डिग्री अंठावन मिनट और दस सेकेंड ठीक है इक्कीस डिग्री अंठावन मिनट दस सेकेंड से ये चालू होता है उत्तरी अक्षांश चालू होता है और कहाँ तक चलता है तो इस तरह से इस तरह से स्थिति देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे सबसे ये ऊपर वाला भाग यहाँ टच करता है इसमें तो ये जो यहाँ जो टच कर रहा है तो ये कहाँ पे कर रहा है साहिबगंज में ये साहेबगंज में कर रहा है ये जो क्षेत्र है ना वो टच कहां कर रहा है साहेबगंज में कर रहा है तो ये कितना पर होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनेगा तो इसको दिमाग में रखेंगे 25 डिग्री 18 मिनट ठीक है 25 डिग्री 18 मिनट तक तो अगर आपसे पूछा जाए देशांतरीय विस्तार इसका क्या है तो देशांतरीय विस्तार इसका है इक्कीस अंठावन दस ये कहां पर है तो अच्छा से देखिएगा तो ये चायबासा में है चायबासा ये चायबासा में है इक्कीस अट्ठावन दस उत्तरी अक्षांश से लेकर आपको कहाँ तक है तो ये पच्चीस अठारह तक है ये पच्चीस अठारह उत्तरी अक्षांश तक है तो ये कहाँ पर है पच्चीस अठारह उत्तरी अक्षांश तो ये साहेबगंज में है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा इसका लंबाई इसका चौड़ाई इसका ऊंचाई सब कुछ हम देख लेंगे कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक होता है अच्छांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो किस तरह से है ये सभी बातों को हम देख लिए अब हम एक एक क्षेत्र को देख लेते हैं थोड़ा इसका परमंडल को हम समझ लेते हैं और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको समझने का कोशिश करते हैं ठीक है अब हम बीच वाला केवल पार्ट को मिटा दे रहे हैं देखिए बीच वाला जो क्षेत्र है आपको पता होगा ये जो अभी लिख रहे हैं उसको भी अच्छे से लिखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से देखिए सबसे पहले झारखंड आपको पता है कि ये झारखंड है ये तो आप तो आप झारखंड में आपको पता ही होगा अब यहां पे बात होता है कि सबसे पहले झारखंड को अगर प्रशासनिक विभाजन कर किया जाए तो सबसे पहला क्षेत्र किस में तोड़ा जाएगा झारखंड को तो सबसे पहले परमंडल में परमंडल में हम तोड़ते हैं झारखंड को फिर परमंडल बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो परमंडल के बाद हम किसमें तोड़ते हैं तो परमंडल के बाद हम किसमें तोड़ते हैं तो इसको जिला में तोड़ते हैं जिला में, में तोड़ते हैं फिर जिला को देखेंगे तो किसमें तोड़ते हैं तो जिला को अनुमंडल में तोड़ते अनुमंडल में तोड़ते हैं अनुमंडल को फिर किसमें तोड़ते हैं तो अनुमंडल को प्रखंड में तोड़ते हैं

तो एक कौन सा परमंडल बढ़ गया तो ध्यान में रखेंगे कोल्हान कोल्हान जो परमंडल है वो 2003 हजार ईस्वी में ये बना था कोल्हान परमंडल तो कोल्हान परमंडल जो है एक बढ़ गया था ठीक है तो इसको दिमाग में रखना है कि कोल्हान परमंडल एक बढ़ा तो हो गया अभी वर्तमान में पांच पहले कितना था चार अभी वर्तमान में कितना है पांच झारखंड गठन हुआ था तो जिला कितना था बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड गठन हुआ था तो जिला कितना था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहां जिलों की संख्या कितना है अठारह था लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या पूछ देगा कि कितना है तो ये चौबीस है अब ये जो वर्तमान में चौबीस है तो आपको पता होगा यहां जिलों की संख्या छह बढ़ी है आपको पता होगा कि ये जिलों की संख्या छह बढ़ा है अगर आपसे पूछा जाएगा कि अनुमंडल अनुमंडल झारखंड गठन के समय कितना था झारखंड गठन के समय अनुमंडल कितना था तो झारखंड गठन के समय अनुमंडल जो था वो तैतीस था अभी वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में देखेंगे तो ये तैंतालीस तेता अनुमंडल है ठीक है तैंतालीस अनुमंडल है कहीं कहीं पैंतालीस भी लिखता है लेकिन हम जो देखें बुक में देखिए सब बहुत सारा बुक है झारखंड में बहुत अलग अलग डेटा लिखता है कभी जैसे अनुमंडल बनता है नया बनता है तो एड हो जाएगा करंट अफेयर की दृष्टि से आप उसको थोड़ा चेक कर लेंगे इसके बाद आगे देखेंगे प्रखंड तो सबसे पहले जब झारखंड गठन हुआ था उस समय प्रखंड 212 हुआ करता था 212 प्रखंड था अभी वर्तमान में दो प्रखंड हो गया एक्चुअली में दो प्रखंड था लेकिन आपको पता होगा कि जो झरिया है वो धनबाद नगर निगम में मिला दिया गया झरिया जो क्षेत्र है झरिया जो था उसको धनबाद में जब मिला दिया गया धनबाद नगर निगम में मिला देने के बाद अब वहां पर एक कम हो गया तो इसीलिए दो हो गया ये पहले दो ये 64 था तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है अब यहां पे बात आता है कि ये जो क्षेत्र है सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र हो जाता है आपका अनुमंडल यहां पे सॉरी परमंडल तो परमंडल को हम देखते हैं कि परमंडल को कैसे तोड़ा गया कैसे डिवाइड किया गया झारखंड को मतलब झारखंड क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से सही सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह से बांटा गया तो इसको सबसे पहले पांच परमंडल में जो बांटा गया वो कौन सा कौन सा कैसे बाँटा है देखिए सबसे पहले यहाँ से हम एक कर दिए इधर ठीक है ये हम अप्रॉक्स ऐसे कर रहे हैं कहने का मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है आप मैप में देख लेंगे इसके बाद एक क्षेत्र ये आपका बनेगा ये 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 क्षेत्र बनेगा एक उसके बाद एक क्षेत्र से ये बनेगा इस तरह से देखिए अच्छे से देखिए इसको एक मान लेते हैं कि एक ये हो गया एक क्षेत्र हो हो गया गया और एक ये हो गया, एक क्षेत्र क्षेत्र आपका ये वाला हो गया चार नंबर और पांच नंबर जो लास्ट बना उसको दे रहे अब यहां अच्छे से देखेंगे तो एक नंबर दो नंबर तीन और चार एक पांच पांच परमंडल ये बन गया इसमें जो है अब एक एक परमंडल और उसका मुख्यालय देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे तो देखिए ये पहला जो है ये कौन सा परमंडल है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे तो ये पलामू है पलामू परमंडल है इसका मुख्यालय पूछा जाता है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है तो मेदिनीनगर देखिए मेदिनीनगर है देखिए मेदिनीनगर का नाम बहुत ज्यादा बदला है समझे सबसे पहले इसको पलामू को बिजराबाग कहते थे बिजराबाग के बाद इसमें फिर थोड़ा सुधार हुआ इसको लेसलीगंज कहे लेसलीगंज के बाद इसको डाल्टनगंज बोला लोग फिर डाल्टनगंज के बाद इसको मेदिनी नगर बोला तो ये बहुत चेंज हुआ है ये सब नाम पूछा करता है तो दिमाग में इसको रखेंगे ये मेदिनी नगर पलामू जो परमंडल है उसका मुख्यालय क्या है मेदिनी नगर इसी तरह से ये उत्तरी छोटा नागपुर देखिए ये है उत्तरी छोटा नागपुर अब ये उत्तरी जो छोटा नागपुर है ना इसका अगर आप देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर जो है इसका मुख्यालय कहां पर है उत्तरी छोटा नागपुर का अगर मुख्यालय देखेंगे तो हजारीबाग ये हजारीबाग क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय अब यहां पे बात होता है ये संथाल परगना है संथाल परगना अब ये संथाल परगना का मुख्यालय अगर देखेंगे तो इसका मुख्यालय कहां है दुमका दुमका ये संथाल परगना का मुख्यालय है कहां है दुमका है अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर ये दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया इसका मुख्यालय कहां पे है ठीक है इसका मुख्यालय कहां है तो रांची दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहां है रांची इसी तरह से ये जो पांचवा जो आखिरी में बना है ये कौन है तो कोल्हान ये कोल्हान प्रमंडल है ये कोल्हान प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहां पे है तो कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहां पे है चायबासा ये चायबासा अब कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहां है चायबासा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहां पे आपको समझने के लिए ये काफी होगा तो सबसे पहले मुख्यालय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल परगना का दुमका अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची कोल्हान का मुख्यालय चायबासा कोल्हान जो है वो नया परमंडल है क्या कोल्हान जो है ये नया परमंडल है मतलब कि जो कोल्हान है वो सबसे नया बना है झारखंड गठन के बाद ये परमंडल जो है वो नया बना है तो इसको दिमाग में रखना कब बना 2003 हजार ईस्वी में ये बना है नया परमंडल तो इसको दिमाग में रखिएगा अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझ लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा परमंडल कौन है तो सबसे बड़ा परमंडल जो है वो उदरी छोटा नागपुर है आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा परमंडल कौन है तो सबसे छोटा परमंडल है पलामू ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा जाता है कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल को कौन अलग करता है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल को कौन अलग करता है तो देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र है लातेहार ये क्षेत्र आगे बताएंगे लातेहार है टोरी यहाँ पे है टोरी टोरी का क्षेत्र लातेहार का टोरी क्षेत्र है यहाँ से एक नदी निकलती है ठीक है और झारखंड में दो किलोमीटर यह प्रवाहित होती है और कुल मिलाकर यह बंगाल तक देखेंगे तो पांच पंचानवे किलोमीटर के लगभग में यह प्रवाहित होती है कौन सा दामोदर नदी दामोदर नदी तो यह जो दामोदर नदी है ना यह उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को दो बराबर भागों में बांटती है मतलब दो भागों में बांटने का काम करती है कौन लातेहार टोरी क्षेत्र से जो दामोदर नदी निकलती है वो दो भागों में बांटने का काम करती है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसकी कुल लंबाई झारखंड में कितना है तो लगभग ये 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है और ये अगर पूछा जाएगा कि टोटल कितना बहती है तो टोटल बनती है पाँच किलोमीटर ये प्रवाहित होती है लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर के बीच सीमा का कर निर्धारण करती है यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी दिमाग में रखेंगे अब ये क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कौन सा परमंडल में कितने जिले हैं देखिए चौबीस जिले हैं तो चौबीस जिला में कौन सा कौन सा परमंडल में कितने कितने जिले हैं तो उसको देख लेते हैं तो देखिए ये जो कोल्हान ये आप देख रहे हैं पलामू परमंडल इसमें जिलों की संख्या कितना है तो इसमें जो जिला है इस परमंडल में जिलों का संख्या कितना है तीन है वो हम बताएंगे आगे कि गढ़वा फिर पलामोर लाते हार है वो हम आगे डिटेल से बताएंगे और एक ही एक, एक चीज़ को समझेंगे ये हजारीबाग परमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल जिसको बोलते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या इसी में है इसमें कितना जिला है तो इस परमंडल में देखेंगे तो सात जिला है ठीक है अब सात जिला पूरा हम डिटेल देखेंगे जैसे चतरा है हजारीबाग है कोडरमा है गिरिडीह है इसके बाद धनबाद बोकारो और आपका रामगढ़ है तो ये हम डिटेल से इसको समझेंगे एक एक करके लेकिन सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या किसमें है तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संथाल परगना है उसमें जिलों की संख्या कितना है तो इसमें जिलों की संख्या कितना है तो इसमें जिलों की संख्या छः है अब छः कौन है तो हम इसके बाद वाला क्लास में हम डिटेल से एक एक जिला को हम मैप से बताएंगे क्योंकि आजकल जिला का सही क्रम भी पूछता है उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाइए तो इस तरह से पूछा करता है क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का तो जिले की अवस्थिति आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं उसको मार सकते हैं तो इसीलिए जिला एक एक करके हम डिटेल से बता देंगे बस अभी हम बेसिक बता रहे हैं कि किसमें कितना है तो देखिए इसमें जिला जो है कितना टोटल छः जिला है अब कौन कौन है तो इधर पता है साहेबगंज है इधर पाकुड़ है यहाँ पे गढ़वा है फिर ए, मतलब ये सॉरी गोड्डा है उसके बाद गोड्डा कहने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आगे दुमका क्षेत्र हो जाएगा इधर जामताड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो देवघर है यहाँ पे ऊपर वाला क्षेत्र देवघर है तो कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पे जिलों की संख्या कितना है छः है तो वो आप समझ लेंगे इसी तरह से अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर में जाते हैं मतलब रांची वाला क्षेत्र में जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर इसमें जिलों की संख्या कितना है तो इसमें पाँच है पाँच जिले हैं देखिए थोड़ा होच पोच लग रहा होगा लेकिन अगर आप चीज़ों को एक एक करके समझे होंगे तो दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे समझने में तो ये पांच जिला है ना वो पांच जिला कौन सा कौन सा है तो ये एक यहाँ पे है आपको पता है राजधानी रांची फिर इसके नीचे खुट्टी इसके ऊपर में लोहरदग्गा लोहरदग्गा और उसके बाद ये बड़ा सा दिख रहा है ये हो जाएगा गुमला और ये कोना में हो जाएगा सिमडेगा ये आप समझ लेंगे तो इस तरह से पाँच जिले हैं लेकिन इसके बाद अगर कोल्हान देखेंगे ये कोल्हान है इसमें जिला कितना है तो ये कोल्हान में अगर देखें तो जिलों की संख्या कितना है तीन है इसमें जिलों की संख्या पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां तो इस तरह से आप देखेंगे चौबीसों जिला यहाँ पे इसी परमंडल में है मतलब आप अच्छे से पूरा परमंडल समझेंगे फिर परमंडल के बाद एक एक करके हम जिला की स्थिति बताएंगे कि अगर इसमें तीन कौन सा कौन सा है कहां कहां है इसमें सात कहां कहां है इसमें छः कहां कहां पे है इसके बाद आप इसको समझेंगे कि इसमें पाँच कहाँ है इसमें चार इसमें तीन कहाँ पे तो ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में ऊपर से लोग नहीं पढ़ता है। बिहार से कितना जिला टच करता पूरा रटता है यहाँ से यहाँ तक रटने की क्या जरूरत है अगर आप यहाँ से पूरा तरीका से एक एक जिला की स्थिति समझ लेंगे अगर बंगाल से कौन सा टच करता है उसकी स्थिति समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में तो एक बार केवल समझने की कोशिश करना पहले जितने बातों को हम ये सब बता रहे हैं उसको अच्छे तरह से नोट डाउन कीजिए अगर आपको अपना सपना पूरा करना है देखिए वैसे जे एस एस सी जे पी एस सी ये सब जल्दी वैकेंसी देता नहीं पता दस बीस साल लग जाता है हज़ारों हज़ार साल लग जाता है समझ रहे जे एस एस सी जो है वो दो हज़ार पंद्रह सोलह में लोग भरा होगा मतलब कब का है पंद्रह सोलह से पहले कभी एक बार एग्ज़ाम हुआ करता हुआ था उसके बाद कभी नहीं हुआ दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं कोई 2017 में भरा होगा 19 में कोई भरा होगा इस फॉर्म को किसी का निपटारा भी हो गया होगा कोई कोई का एकदम लास्ट एज हो गया होगा किसी का बच्चा जो है वो तैयार हो गया होगा अब जैसे का फॉर्म भरने लायक मतलब वो इस बार भरेगा इतना टाइम ये सब ले लेते हैं ये सब जो है इतना टाइम लगा देते हैं लेने में इस सब झारखंड में पॉसिबल है थोड़ा सा झारखंड में इस तरह का संभव होता है तो कहने का मतलब ये तो बहुत अच्छा है कि एक ही बार एग्जाम में ले रहा लेकर निपटा दे रहा है मतलब कि यहाँ दो चार एग्जाम नहीं करवा रहा है एक ही बार एग्ज़ाम ले रहा है पूरी तरीका से अगर नहीं तो दो एग्ज़ाम लेता ना अगर जे ये तो एक अगर अभी पे, पे, आपका पी हुआ मेन्स मतलब कब होता पता नहीं हो सकता आपका बाल बच्चा मेंस देने तक तैयार हो जाता वो भी कंपटीशन के लिए तो इस तरह झारखंड में जो है संभव है ठीक है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी थोड़ा जगह है तो आपको लेना है तो ले लीजिए इसको बहुत अच्छे मेहनत कीजिए रात दिन मेहनत कर दीजिए काहे नहीं होगा आराम से होगा एकदम अपना जो दोनों चरण है ना वो अगर तीसरा जो चरण लहर आ रहा है कोरोना का उससे बचना है आपको तो अपना दोनों जो चरण है वो पैर को एकदम दोनों चरण को घर में बंद करके रखिए बाहर नहीं निकलिए क्या बाहर नहीं निकलिए एकदम नहीं निकलने की कोशिश करना अगर तीसरा चरण से बचना है तो अपने चरणों को घर में ही बंद करके रखिए उसको बाहर नहीं निकलने दीजिए और रात दिन करके पढ़िए और एक तो पक्का आप अपना कर लीजिए तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा डिटेल से समझेंगे अभी हम बहुत कुछ नहीं बताए हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ये मेरा पहला क्लास है ठीक है अगर आप लोग का प्यार और सहयोग इसमें मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और बहुत अच्छा आगे बढ़ाएंगे अगर आप लोग का साथ और प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा आगे बढ़ाएंगे और हर चीज़ हम दावे के साथ कहते हैं हर चीज़ आपको ऐसे ही समझा देंगे कहीं रटने की ज़रूरत नहीं कुछ भी पढ़ने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप सब कुछ केवल चीज़ों को देख कर समझ लेंगे बस पेन पेपर आप रखे रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ हम बोलेंगे तो वो आपका काम का होगा नेक्स्ट जो पार्ट होगा झारखंड का इसके बाद का ही पार्ट होगा जो अभी बताएं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट होगा जो इसके बाद आएगा बस आप लोग का प्यार और सहयोग मिलेगा तो इस तरह से ये लंबा चलेगा और आप लोग का जितना नंबर का जे में आने वाला है या तो जे में आना है तो आप सब यहीं से आएगा इसमें कोई दो की बात नहीं है आप देख भी लेंगे आगे जाकर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बस आपको अगर जे एस या जे का तैयारी करना है और आपको सब कुछ ऐसे ही चाहिए बहुत अच्छा तरीका से चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप निकल लीजिएगा क्या आप निकल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिलेक्शन जब तक नहीं होता है जुड़िए हम एक एक चीज़ों को डिटेल से समझेंगे अभी तो ये शुरुआत है मेरा ये पहला क्लास है इसके बाद हम आगे इसी तरह से बढ़ाएंगे बस चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाय जय हिंद दोस्तों आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सभी जिला की स्थिति और अवस्थिति को देखने का प्रयास करेंगे इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो चीज़ों को जाकर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है इसके पहले झारखंड के गठन और उसके परमंडल को देखने का प्रयास किया गया है और वहाँ अगर आप देख लेते हैं तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैप बनाने का प्रयास करते हैं आप लोग भी एक पेन पेपर ले लेंगे और अपने कॉपी में मैप बनाते चलेंगे साथ साथ में क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जिलों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो देखिए सबसे पहले हम मैप बनाते हैं आप लोग भी बना लीजिए कि झारखंड का एक अच्छा सा मैप बना लीजिए कोशिश कीजिए कि मैप अच्छा बने देखिए कोई हम तो कलाकार नहीं हैं कि बहुत हु बहू उसी तरह बने लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं हम लोग ठीक है तो एक कोशिश कीजिए एक अच्छा मैप बनाने का झारखंड का देखिए झारखंड का जब मैप बनाते हैं ना या किसी भी राज्य का मैप बनाते हैं तो मैप बनाने समय ये यह ध्यान में रखें कि मैप ऐसा बने कि जो पोलियो मारा हुआ जैसा न लगे लगे कि हाँ थोड़ा बड़ा है मतलब फलेरिया टाइप का फूला हुआ होना चाहिए समझे एकदम छोटा सा मैप नहीं होना चाहिए पोलियो मारा हुआ जैसे पतला नहीं दिखना चाहिए थोड़ा मोटा तगड़ा दिखना चाहिए भारत की भी मैप बनाते हैं ना तो थोड़ा मोटा चौड़ा दिखना चाहिए मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तरफ चिपक गया ऐसा नहीं मतलब फैला हुआ रहना चाहिए थोड़ा बड़ा पाकिस्तान से ले लिए चमगादड़ चीन से थोड़ा सा ले लिए तो उस तरह से दिखने में लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन पतला नहीं होना चाहिए क्या पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि पतला होने से नुकसान होता है ठीक है तो देखिए थोड़ा मोटा तगड़ा लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठीक है समझे तो हमको तो हम समझना है सबसे पहले देखिए इसके पहले हम क्या बताए थे कि झारखंड में यहाँ पे परमंडल बताए थे जो परमंडल था वो कितना था झारखंड गठन हुआ था तो चार था अबर कितना हो गया पाँच हो गया तो एक क्या था बढ़ गया था तो एक परमंडल बढ़ गया तो हम परमंडल तक की स्थिति को बताए थे तो देखिए सबसे पहले परमंडल बात लेते हैं इसके बाद क्या होता है कि जिला तो जिला जो है वो कितना था पहले अठारह था इसके बाद कितना हो गया चौबीस हो गया तो छह जिला क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया तो इसको भी हम हाँ देखेंगे एक एक जिला की स्थिति को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं इसका झारखंड की स्थिति और विस्तार को तो उसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है तो सबको पता है कि ये बिहार है दक्षिण में कौन सा है तो उड़ीसा है उड़ीसा है और यहाँ पे पूर्व में कौन सा है तो आपको पता होगा पूर्व में वेस्ट बंगाल है पश्चिम में कौन सा है तो आपको पता है छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे जो ये पश्चिम में ही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे टच करता है ये कोना में ठीक है तो ये आपको पहले से भी पता होगा इसके पहले वाला भी वीडियो में ये बात कर चुके हैं तो देखिए सबसे पहले हम परमंडल को बांट लेते हैं फिर उस परमंडल में कितने कितने जिले हैं उसको हम देख लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा देखिए सबसे पहले हम इसको बांट रहे हैं ये परमंडल को तो एक हो गया यहाँ पे फिर एक यहाँ से हो गया दो ठीक है फिर इसके बाद देखिए दोस्तों एग्जैक्ट हो गया नहीं हो हमको समझना है चीज़ों को तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है तो देखिए एक नंबर हो गया यहाँ पे दो नंबर हो गया तीन नंबर हो तीन नंबर हो गया चार नंबर हो गया और ये पाँच नंबर हो गया ये कोल्हान यही नया बना है दो हज़ार तीन ईस्वी में नया बना है तो ये सब कुछ समझ में आ गया इसमें जिलों की संख्या अगर बोले तो कितना है तो ध्यान में रखेंगे इसमें जिलों की संख्या तीन है अगर ये बोला जाए तो ये कौन सा है तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, हजारी है। इसमें जिलों की संख्या सात है सर्वाधिक है ये भी धीमान में रखना है इसके बाद संथाल परगना इसमें जिलों की संख्या छः है इसके पहले बता चुके हैं ये ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये कौन सा था पलामू इसका जिलों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे तीन इसके बाद ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर इसमें जिलों की संख्या कितना हो गया तो इसमें पाँच ये हो गया कोल्हान जो नया है ये कितना जिलों की संख्या हो गया इसमें तीन तो ये सारे जिले की जो हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे परमंडल वाइज तो बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगा तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम एक एक करके ज़िला को समझते हैं और उस जिले की कुछ विशेषता को जानेंगे और जिला कब गठित हुआ था उसको भी जानेंगे क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जिला कब बना क्योंकि इसके पहले 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था झारखंड में वहां हर सिटिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये जिला कब बना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो अच्छा कर सकते हैं आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं पलामू ये पलामू परमंडल है ठीक है तो पलामू परमंडल में जो जिलों की संख्या कितना है तो ये जिलों की संख्या इसमें तीन है अब ये तीन कौन सा कौन सा है तो इसको हम अच्छे तरीका से देखते हैं देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर जिला है गढ़वा कौन सा जिला है गढ़वा अब ये जो गढ़वा जिला है झारखंड का जो मात्र जिला है ऐसा जो तीन राज्यों से सीमा बनाता है देखिए एक सबसे पहले यहाँ उत्तर प्रदेश से बनाता है एक इधर बिहार से बनाता है और एक इधर छत्तीसगढ़ से बनाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि गढ़वा जो है वो किस किस से सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार से सीमा बनाता है गढ़वा ये तीन राज्यों से सीमा बनाता है और झारखंड का एक मात्र राज्य एकमात्र जिला है जो तीन राज्यों से सीमा बनाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके पहले जो गढ़वा का नाम हुआ करता था भवनाथपुर लेकिन इसके बाद इसका नाम गढ़वा पड़ा था और गढ़वा की स्थापना कब हुआ था जिला के रूप में तो उन्नीस ईस्वी में हुआ था इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे और ये गढ़वा जो है ये कैसा शब्द है बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये गढ़वा कैसा शब्द है तो गढ़वा जो है एक मराठी शब्द है कैसा शब्द है मराठी शब्द है तो गढ़वा जो है इसका पहले नाम भावनाथपुर था और गढ़वा कैसा शब्द है मराठी शब्द है स्थापना उन्नीस सौ इक्यानवे ईस्वी में हुआ था गढ़वा का तो इतना बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे गढ़वा में एक मंदिर है बहुत फेमस एक एक जिला जब चलेंगे ना तो पूरा डिटेल से चलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है झारखंड में तो एक एक करके चलेंगे लेकिन ध्यान में रखेंगे जो गढ़वा है इसमें एक मंदिर है नगर उटारी उसका नाम बंसीधर कर दिया गया था जो इसके पहले जो चच्चा थे ना रघुवर चच्चा उन्होंने क्या किया था इसका नाम जो है नगर उटारी का नाम बंसीधर कर दिया था और उसका डेवलपमेंट करने का जो गढ़वा किसके तर्ज पर विकसित होगा तो ये विकसित होने का बात बोला गया था मथुरा के तर्ज पर तो ये भी कभी पूछा जा देगा तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे गढ़वा को विकसित करने का काम किस तर्ज पर किया जाएगा तो ये मथुरा के तर्ज पर अब पूरा झारखंड के का जो है पूरा झारखंड को पेयर बनाया गया था किसके साथ यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग ना दो राज्यों को पेयर बनाती है ठीक है जो एक पिछड़ा हुआ राज्य है और एक बढ़िया राज्य के साथ पेयर बनाती है तो ये झारखंड है ना इसको पूरा पेयर बनाई है नीति आयोग किसके साथ तो गोवा के साथ अब गोवा का कल्चर और झारखंड का कल्चर में आसमान ज़मीन का अंतर है क्या आसमान जमीन का अंतर है गोवा में कहाँ किस तरह लोग रहता है और झारखंड में कैसे लोग रहता है आप समझ सकते हैं गोवा में तो आधा लंगा लोग रहता है लेकिन झारखंड वाला लोग पूरा सभ्यता संस्कृति के साथ रहता है तो ये पता नहीं नीति आयोग कैसे इसके इसको गोवा के साथ डाल दी है पेयर में इसको डालना चाहिए था छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये सबके साथ में डालना चाहिए था डाल दिया गोवा के साथ में खैर कोई बात नहीं है तो पूरा झारखंड को गोवा के तर्ज पर विकसित करना है गोवा के समान बनाने का इसका पेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा लेकिन गढ़वा को विकसित करने का काम करेगा मथुरा के तर्ज पर ये थोड़ा सा बात दिमाग में रखेंगे तो एक जिला हो गया थोड़ा गढ़वा उसका गठन कब हुआ उन्नीस सौ इक्यानबे ईस्वी में ये बहुत अच्छा समझ गए होंगे अब आते हैं दूसरा ठीक है यह है पलामू अब पलामू जो है अठारह सौ ईस्वी में बना था देखिए पलामू जिला कब बना था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि पलामू कब जिला बना था तो पलामू जो है अठारह ईस्वी में जिला बना था देखिए पलामू का नाम पलामू नहीं था समझे पहले इसका नाम बिजराबाग हुआ करता था बिजराबाग के बाद इसका नाम डालटेनगंज हुआ डालटेनगंज के बाद इसका नाम लेसलीगंज हुआ और लेसलीगंज के बाद इसका नाम मेदिनीनगर हुआ फिर ये पलामू है पलामू नगर, ठीक है तो इतना नाम चेंज हुआ पहले तो पहले इसका नाम बिजराबाग फिर डालटेनगंज हुआ फिर उसके बाद लेसलीगंज हुआ फिर उसके बाद नगर हुआ ये पलामू का नाम देखिए लेसलीगंज और मेसलुस्कीगंज दो अलग अलग जगह है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है ध्यान में रखिएगा लेसलीगंज और मेसलुस्कीगंज अलग अलग है लेसलीगंज जो है ना वो पलामू को कहते हैं और जो मैसलुस्कीगंज है वो रांची में एक एंग्लो इंडियन ग्राम है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि एक मात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन है मैसलुस्कीगंज कहाँ है रांची में एंग्लो इंडियन मतलब समझते हैं ना मतलब कि माँ बाप में कोई एक अंग्रेज होता है और उससे जो बनता है बच्चा उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन जैसे मान लेते हैं एक देसी था विदेशी को पटा के शादी कर लिया या तो फिर एक विदेशी था वो यहाँ के देशी को पटा के शादी कर लिया और उससे जो बच्चा बना ना वही बच्चा कहलाता है एंग्लो इंडियन ठीक है तो वो एक मात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कहाँ है रांची में वो हम सब समझेंगे वैसे एंग्लो इंडियन को तो खत्म कर दिया गया है आपको पता होगा एक संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो पद हुआ करता था जो एक सीट हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया लोकसभा में भी और राज्यों के विधानसभा में भी तो ये आप समझ सकते हैं देखिए ये सब पोलिटी का बात है देखिए एक्स्ट्रा चीज बताते हैं उसको भी जानते चलिएगा काम देगा आप ही को ठीक है तो ये हो गया तो पलामू को क्या कहा गया तो इसके बारे में हम बता दिए पलामू और ये पलामू परमंडल का मुख्यालय मेदिनी नगर यहीं पर स्थित है ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट यहाँ पर लग रहा है पलामू में ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो थोड़े थोड़े चीज़ों को जान रहे हैं हम एक एक जब जिला पढ़ेंगे ना तो इतना अच्छा से आपको बताएंगे कि पूरा झारखंड को चौबीसों जिला जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कुछ समझ समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी पूरा तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये चीज़ दिमाग में रखिएगा तो देखिए ये पलामू आपका थोड़ा कम्प्लीट हो गया यहाँ पर इसके बाद आते हैं कि ये जो जिला इसका बचा तीन ज़िला था तो एक और बचा लातेहार देखिए लातेहार ये जो लातेहार है ना ये कब बना था बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चार अप्रैल ठीक है चार अप्रैल 2000 हज़ार ईस्वी को ये लातेहार बना था चार अप्रैल 2000 हज़ार ईस्वी को लातेहार बना था कभी कभी ये बोला जाता है कि अठारह जिला जो था उसके बाद ये उन्नीसवा जिला जो है वो लातेहार बना था चार अप्रैल को ठीक है ये भी बोला जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा और लातेहार से तो पढ़ने का चीज़ बहुत कुछ है यहाँ पर मेरे शेरों का एक स्कूल है आपको पता है नेतरहाट स्कूल जो मेरा शेर लोग वहाँ तैयार होता है झारखंड का शेर लोग पढ़ता है नेतरहाट में वो आप लोग को पता होगा कि वो उन्नीस ईस्वी में बना था नेतरहाट का स्कूल जो बहुत बढ़िया स्कूल है नेतरहाट लातेहार में पढ़ता है वो स्कूल इसकी स्थापना कब हुआ था तो ये हुआ था स्थापना चार अप्रैल दो ईस्वी को लातेहार को जो क्या कहते हैं रेगिस्तान का नकलीस्तान बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि लातेहार को क्या कहते हैं रेगिस्तान का नकलीस्तान कहते हैं बहुत अच्छा से बताएंगे यहाँ पे कि जो ये इस क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बरसात बरसा होता है नेतरहाट के क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर होता है लेकिन जिला पूछे तो हजारीबाग में होता है लेकिन क्षेत्र पूछे तो नेतरहाट में होता है यहाँ पे पता बताएंगे आपको नेत्रहाट का पहाड़ बताएंगे फिर उसके बाद जयमूरा का पठार फिर गणेशपुर का पठार सब बताएंगे लेकिन एक एक करके बस केवल अभी जिलों को समझिए स्थिति को समझिए तो ये कब बना 2000 सॉरी 2001 में बना है 2000 में नहीं 2001 2001 में बना है ठीक है चार अप चार अप्रैल 2001 को बना है इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा बढ़िया से चलिए इसके बाद एक यहाँ परमंडल क्लियर हो गया पलामू परमंडल एक एक जिला को अलग अलग चलेंगे तो बहुत डिटेल से चलेंगे लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा स्थिति को जान ले रहे हैं आपको एक नज़र में बन जाना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर जो ज़िला है ना ये जो तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जिला है रांची रांची ये दक्षिणी छोटा नागपुर की राज मतलब जिला है यहाँ पर रांची और ये कब बना था अठारह सौ में रांची कब ज़िला बना था अठारह सौ में बना था और ये झारखंड की राजधानी भी है इसको भी दिमाग में रखेंगे कि ये झारखंड की राजधानी है और कब बना था अठारह में बना था इसको कहते हैं झारखंड का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं इसको विल्किसनगंज बोलते हैं किशनपुर बोलते हैं मतलब झरनों का शहर भी बोलते हैं इसी को रांची को तो बहुत सारा नाम है यहाँ पे तो इसको एक एक करके जब रांची जिला चलेंगे ना तो पूरा डिटेल से चलेंगे बस आप थोड़ा देख लीजिए कि ये कहाँ पे है ठीक है इसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो एक जिला ऐसे करके आपको नजर आएगा यहाँ पे लोहरदगा लोहर ये जिला जो है वो कब बना था ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान में रखेंगे लोहरदगा जो जिला है वो कब बना था तो उन्नीस ईस्वी में उन्नीस ईस्वी में लोहरदगा जिला बना था इसको दिमाग में रखेंगे कि जिला लोहरदगा कब बना था तो ये उन्नीस ईस्वी में लोहरदगा जिला बना था तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लोहरदगा कब जिला बना था तो उन्नीस ईस्वी में बना था दक्षिणी छोटा नागपुर का ये एक जिला है इसी तरह से एक यहाँ पे खुट्टी देखेंगे यहाँ पे एक जिला है मतलब खुट्टी ये खुट्टी है और ये कब बना था तो ये जो जिला है ये कब बना था तो बारह सेप्टेम्बर देखिए इधर लिख देते हैं यहाँ पे सामने में इधर ठीक है ये बारह सेप्टेम्बर 2007 ईस्वी को ये जिला बना था 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये जिला बना था दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची से कटकर बना था ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको दिमाग में रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे गुम, ये जिला है गुमला तो ये जो जिला है गुमला तो गुमला जो जिला है वो कब बना था तो ये गुमला जो है उन्नीस ईस्वी में ये जिला बना था गुमला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि गुमला कब जिला बना था तो गुमला जो जिला है वो उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में बना था बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी दिमाग में रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद ये चार हो गया और पांचवा जो है वो ये है सिमडेगा सिमडेगा अब ये जो सिमडेगा है वो कब बना था तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो 30 अप्रैल ठीक है तीस अप्रैल दो हज़ार एक ईस्वी को तीस अप्रैल दो हज़ार एक ईस्वी को सिमडेगा जो है वो जिला बना था ब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा कि कौन सा जिला तीस अप्रैल को बना था तो सिमडेगा तीस अप्रैल को बना था दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जिला बना था तो दक्षिणी छोटा नागपुर में ना झारखंड गठन होने के बाद दो जिले बने एक खुट्टी और एक सिमडेगा बना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिले की स्थिति भी समझ में आ गया होगा देखिए एग्जैक्ट हम नहीं बोलेंगे कि मैप जैसा है वैसा ही आपको हम बना के दिखा रहे हैं हाथ से बना रहे हैं दोस्त और कोई यहाँ पे हम कलाकार नहीं है क्या कोई कलाकार नहीं है तो इसीलिए एक आप लम्ब मान लेंगे कि ये है स्थिति बस आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम कोई कलाकार नहीं है अब इसके बाद हम देखते हैं ये कोल्हान भी हम एक देख ही लेते हैं कुल्हान जो है इस तरह से बटा हुआ है यहाँ पे कुल्हान ये वाला एरिया और ये वाला ऐसे करके एरिया तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी ये पश्चिमी सिंहभूम ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है और देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जो सबसे पहले कटा था तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो कटा था ये जो हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 1990 में कटा था ये 1990 और ये भी 1990 में मतलब ये 90 में कटा था बाद में पश्चिमी सिंहभूम है ना उससे कटकर दो हजार एक ईस्वी में कौन बना था सरायकेला खरसावा बना था 2001 हजार एक ईस्वी में सरायकेला खरसावा बना था तो इसको दिमाग में रखेंगे यहां पर एक जिला है सरायकेला सरायकेला ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सरायकेला कब बना था तो ये दो हजार एक ईस्वी में बना था इसी का डेट नहीं बताया जाता है कि ये किस दिन बना है तो कभी कभी क्या करता है लोग कि सरायकेला खरसावा को लातेहार से पहले बता देता है क्योंकि लातेहार चार अप्रैल को दो में बना और इसको इसमें डेट ही नहीं लिखा है केवल लिखा है कि दो ईस्वी में बना तो लोग इसको पहले रख देता है लेकिन आप यहाँ पे दिमाग में रखना है कि 4 अप्रैल को 2001 को बना है लातेहार इसका डेट ही नहीं पता है अभी तक कोई किताब उताब इसको लिखा भी नहीं है सब लिखता है कि 2001 हज़ार ईस्वी में बना है लेकिन 2001 में कब बना है जैसे ये 30 अप्रैल को दो को बना था 4 अप्रैल 2001 को बना और यहाँ पर देखेंगे तो 24 अप्रैल को एक जामताड़ा बनेगा 24 अप्रैल को तो सॉरी 24 अप्रैल नहीं एक ये होगा आपका 26 अप्रैल को बनेगा तो कुल मिला के ये जामताड़ा में हम आगे देखेंगे तो सबका डेट है लेकिन इसका डेट नहीं है तो आप दिमाग में रखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम जो है ये पूर्वी सिंहभूम आपका यहाँ पे है जो उन्नीस में पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम अलग अलग हुआ था इसका मतलब है कि 1990 में पूर्वी सिंहभूम भी और 1990 में आपका पूर्वी सिंहभूम में और पश्चिमी सिंहभूम से कटकर एक नया जिला बना है दिमाग में रखिएगा दो हजार में तो आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा कोल्हान तो ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर ठीक है यह दक्षिणी छोटा नागपुर बता दिए दक्षिणी छोटा नागपुर जिसमें जिला कितना हुआ तो जिला हुआ यहाँ पे पाँच और ये आपका हो गया कोल्ह्हान्ह्हान इसमें जिला कितना हो गया तो जिला हो गया तीन अब हम आ जाते हैं इधर लास्ट में करते हैं सबसे बड़ा यही है तो इसको बाद में करते हैं तो यहां देख लेते हैं एक एक करके तो देखिए यहां पे यह है आपका यहां से ऐसे होगा साहिबगंज देखिए साहेबगंज जो है इसमें अगर देखेंगे तो इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो यहीं पर बना है नरे, नरेंद्र मोदी यहीं पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है गंगा नदी इधर से ही होकर साहेबगंज से ही होकर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में गंगा नदी यहीं से बहकर और बंगाल की ओर जाती है आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी जब उतरती है जब देखिएगा उत्तराखंड में सबसे देखिए जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो वो सबसे पहले उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र में बहती है उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद बिहार बिहार के बाद झारखंड मतलब झारखंड में आती है झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल में आती है तो इस तरह से ये पांच राज्यों से होकर गुजरती है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो उत्तराखंड में सबसे पहले उसके बाद उत्तर प्रदेश उसके बाद बिहार उसके बाद झारखंड में भी घुसती है गंगा नदी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में से आगे बंगाल की खाड़ी को उधर बांग्लादेश की तरफ चली जाती है तो कुल मिला ये पांच राज्यों से गंगा नदी होकर बहती है तो उसमें झारखंड का सबसे कम भाग आता है इसमें अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा गंगा नदी पर बसा शहर कौन सा है तो दिमाग में रखिएगा कि वो कौन सा शहर है तो वो कानपुर है जो उत्तर प्रदेश का है तो कानपुर सबसे बड़ा बसा शहर है गंगा नदी पर तो मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो गंगा नदी पर यहीं पर बनाया गया था साहेबगंज में और साहेबगंज जो है यहाँ पर एक तेलियागढ़ है इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार तो कभी कभी क्वेश्चन बढ़िया पूछता है कि पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं तो ये तेलियागढ़ को बोलते हैं और तेलियागढ़ अगर ऑप्शन में ना हो तो साहेबगंज मार देंगे तो ये भी चलेगा राजमहल का क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है ठीक है तो ये हो गया यहाँ पर एक आपका है जिला अच्छा सबसे पहले अब इसका स्थापना कब हुआ ये भी देख लीजिएगा तो उन्नीस सौ ईस्वी में ये भी बना था साहेबगंज उन्नीस सौ ईस्वी में साहेबगंज बना था तो इसको दिमाग में रखिएगा अब यहां पे एक होता है पाकुड़ देखिए तो पाकुड़ जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ है सबसे लिटरेसी रेट जो है साक्षरता दर सबसे कम पाकुड़ में ही है और ये पाकुड़ कब बना था तो दिमाग में रखना है कि पाकुड़ कब बना था उन्नीस तो सौ में बना था पाकुड़ उन्नीस में पाकुड़ बना था इसको काला पत्थर कहते हैं जिसका पाकुड़ को दूसरा नाम क्या है काला पत्थर बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है तो इसको भी दिमाग में रखेंगे पाकुड़ से ठीक है इसके बाद आपको यहां पता है कि एक यहाँ पे एक और जिला है जिसको कहते हैं गोड्डा गोड्डा जो है ये आपका यहां पे है संथाल परगना में ही देखिए ये पूरा आपका कौन सा है तो संथाल परगना संथाल देखिए संथाल परगना है इसमें जिला कितना है तो छः तो छः जिला है तो ये पूरा संथाल परगना में ही गोड्डा पड़ता है अब यहां पर देखेंगे तो एक जिला इस तरह से आएगा और ये बड़ा सा एरिया में देखेंगे तो बड़ा सा एरिया में होगा दुमका ठीक है देखिए दुमका अब ये जो दुमका है ये बना था कब तो ये 1855 ईस्वी में बना था वैसे संथाल परगना ही 1855 ईस्वी पंच्च में जिला बना था सबसे पहले संथाल परगना ही 1855 ईस्वी में जिला बना था लेकिन ये बाद में यूल रूल कब बना था ये भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाद बना था संथाल परगना पहले जिला बना 1855 में फिर ह्यूल रुलाया था 1856 में तो 1855 ईस्वी में पूरा संथाल परगना जिला बना था बाद में इसी से कट फट करके सब अलग अलग जिला बना ये गढ़वा भी उन्नीस तिरासी ईस्वी में बना था जिला तो ये भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दुमका जो है वो उसी तरह रह गया संथाल परगना जब जिला बना था 1855 में वही डेट इसका रह गया दुमका का दुमका उपराजधानी भी है ये भी आपको पता होगा तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है अब इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे ये एरिया ये एरिया आ जाते हैं तो ये है जामताड़ा देखिए जामताड़ा ये जो जामताड़ा है आपको पता है मतलब 28 राज्यों की पुलिस खोज रही है किसको जामताड़ा को अमेरिका भी इस पर रिसर्च करने वाला है जामताड़ा पर फोन आता है जो पेटीएम में पेटीएम पर जा पेटीएम पर नहीं मतलब सॉरी आपका फ़ोन पे पर ज़्यादातर जो कैशबैक वाला फ़ोन आता है वो यहीं से आता है ज़्यादातर जैसे मेरे पास भी एक बार आया था कि सर आपके पास कैशबैक के लिए गया है पाँच सौ पाँच हज़ार रुपया दिख रहा होगा उसमें पे कर दीजिए अरे यार सर पे का मतलब होता है पेड करना रिसीव थोड़ी होता है तो यहाँ पर कैशबैक दिखाकर और दिखाते रहता है पे अरे यार पे करेगा तो तो चला जाएगा पैसा वो आएगा अकाउंट में थोड़ी तो इस तरह करके अमिताभ बच्चन से भी भाई लोग ठक लिया कोई एस पी एस पी से भी ठका गया तो अब पूरा अट्ठाईस राज्यों के पुलिस जामताड़ा पहुंच चुकी है तो ये एरिया है हरेश्वर चंद्र विद्यासागर का ये नानी घर है पता है यहाँ पे तो बेचारा उस एरिया में पता नहीं कैसा बना के लोग रखा है लेकिन यही जामताड़ा जो है यहाँ पे सबसे कम बन भी है तो ये जामताड़ा कब बना था तो बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ये छब्बीस अप्रैल छब्बीस अप्रैल दो ईस्वी को जामताड़ा बना था ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ध्यान में रखिएगा जामताड़ा कब बना 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था और किसका जिला संथाल परगना का एक ये जिला बना बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जामताड़ा को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ से बहुत कुछ बताएंगे कि अमेरिका भी यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनवाने वाला है और यहाँ पर के लोगों को दिमाग पर रिसर्च करने वाला है अमेरिका ठीक है तो वो बाद की बात है उसको बाद में देखेंगे अब यहां पे आ जाते हैं एक जिला ये बच गया देवघर देव देवघर देखिए देव ये जो जिला है देवघर ये भाई रात का समय बारह बज रहा है थोड़ा ठंडा भी बहुत ज्यादा लग रहा है हाथ काम नहीं कर रहा है लिख रहे हैं तो, तो थोड़ा लिखा नहीं रहा है मतलब जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है लिखा नहीं रहा है बहुत ज्यादा ठंडा भी है और लिखना भी पड़ रहा है तो अभी रात का बारह बारह से भी ज्यादा समय हो गया है ठीक है तो कोई बात नहीं है तो देवघर जो है ये दिमाग में रखना है कि ये भी संथाल परगना का एक जिला था यहाँ पे जिला है ये संथाल परगना का और कब बना तो ये भी उन्नीस ईस्वी में बना था ये भी जिला जो है उन्नीस ईस्वी में बना है और ये जो जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवों की नगरी है ये देवघर आपको पता है और इसको सांपों का मतलब जामताड़ा को बोलते हैं सांपों का नगर ठीक है सांपो सांपो देखिए इस तरह से लिखाएगा सांपो सांपो का नगर किसको बोलते हैं मतलब ये जामताड़ा को और देवो की नगरी किसको बोलते हैं देवघर को बनते हैं कब बना था ये तो ये बना था उन्नीस ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बन रहा है तो देवघर में बन रहा है एम्स जो झारखंड का एकमात्र एम्स कहाँ बन रहा है तो वो भी देवघर में बन रहा है मतलब काफ़ी विकसित हो रहा है ये क्या काफ़ी विकसित हो रहा है देवघर तो इसको भी दिमाग में रखेंगे बाबा नगरी है तो विकसित होना भी चाहिए ठीक है तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा संथाल परगना तो संथाल परगना से जो क्वेश्चन पूछेगा ये सब जितना बात बताएं सबको दिमाग में रखना है हम केवल अभी स्थिति दिखा रहे हैं कि कौन ज़िला कहाँ है जिससे कि आप कम से कम सीमावर्ती जिला को अच्छे से पहचान सके उसमें दिक्कत नहीं हो ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं आगे क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं अब ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर तो ये उत्तरी छोटा नागपुर तो नाग में जिला कितना है सो सर्वाधिक जिला है सात जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में अगर ये सात जिला उत्तरी छोटा नागपुर में है तो ये सातों जिला की स्थिति और अवस्थिति को देखेंगे कि कौन सा जिला कहां कहाँ है तो देखिए सबसे पहले ये यहां से एक जिला ऐसे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा ये से टच करता है साइड है वो रांची को टच करता है तो मान लीजिए यहाँ पे चतरा है चतरा और कब बना था तो ये उन्नीस में ये बना था चतरा ये हजारीबाग से कटकर बना था चतरा तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि चतरा कब बना था उन्नीस ईस्वी में चतरा बना था उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये आपका है ये वाला एरिया तो ये हजारीबाग है ठीक है हजारीबाग और ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय भी है हजारीबाग और ये हजारीबाग जो है वो बिहार से भी और रांची के क्षेत्र से भी सीमा बनाता है हजार बागों का नगर बोलते हैं हजारी बाग को और ये जो चतरा है ना चतरा को कहते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोले तो आपको चतरा यहाँ पर मानना है अगर यहाँ पे बोला जाएगा पश्चिम बंगाल का प्रवेश द्वार तो तेलियागढ़ साहिबगंज को अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का प्रवेश द्वार तो ये हो जाएगा गुमला को गुमला को बोलते हैं तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे जो रिलेट होकर आएगा उसको हम साथ साथ बताते चलेंगे तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे हजारीबाग कब बना था तो सबसे पुराना जिला है ये हजारीबाग हजारीबाग जो है वो सबसे पुराना जिला है 1833 सौ ईस्वी में हजारीबाग जिला बना था पुराना अब सबसे पुराना भी हज़ारीबाग ही बचा है अब हम बताएंगे कि कैसे ये बचा है अब अगर आपको एक बार जब बताएंगे हजारीबाग तो हम डिटेल से बताएंगे कि सबसे पुराना जिला इक्कीस प्रकार से है प्रूफ करके भी बताएंगे तो देखिए इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको पता होगा कि ये ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हजारीबाग के बाद यहाँ पे कोडरमा ये कोडरमा है और कोडरमा कब बना था उन्नीस सौ में बना था कोडरमा में एक पहाड़ है मक्का मारो हिल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मक्का मारो हिल कहाँ है तो कोडरमा में है और कोडरमा में भी एक बहुत बढ़िया स्कूल है जो शान बोला जाता है झारखंड का आन बान शान बोला जाता है जो कब बना था उन्नीस तिरपन ईस्वी में बना था सॉरी उन्नीस सौ तिरसठ ईस्वी में बना था और ये सैनिक स्कूल तिलैया है सैनिक स्कूल तिलैया है तो इसको भी दिमाग में रखिएगा ये सैनिक स्कूल तिलैया झुमरी तिलैया में पड़ता है और कोडरमा का एकमात्र मात्र शहर झुमरी है क्या मात्र शहर क्या है झुमरी है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कोडरमा से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और कब बना उन्नीस सौ उन्नीस में ये बना जिला ठीक है तो इसको दिमाग में रखिएगा और हजारीबाग में भी हजारीबाग में एक स्कूल है जहाँ झारखंड की शेररी लोग पढ़ती है जिसको बोला जाएगा कि इंदिरा गांधी स्कूल ये कब बना था इंदिरा गांधी स्कूल तो उन्नीस ईस्वी में बना था उन्नीस ईस्वी में इंदिरा गांधी स्कूल बना था और ये झारखंड की शेरनी यहाँ पे पड़ती है मतलब मेरी बहनें यहाँ पढ़ती हैं जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जाकर नाम रोशन करती है एक बहुत बढ़िया स्कूल है उन्नीस सौ ईस्वी में बना था तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया बहुत बड़ा बच गया इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं क्योंकि गिरिडीह को इतना बड़ा क्षेत्र नहीं देंगे क्या गिरिडीह को इतना बड़ा क्षेत्र नहीं देंगे कबूतरी पहाड़ है यहाँ पे तो इसको इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे देंगे ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं देखिए सबसे पहले ये ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे करके तो ये जो क्षेत्र है वो राम रामगढ़ है रामगढ़ ठीक है ये रामगढ़ है आपको पता होगा ये रामगढ़ है अब रामगढ़ जो है वो कब बना था तो जब खुट्टी बनाता उसी समय बना था मतलब बारह सेप्टेम्बर बारह सेप्टेम्बर 2007 ईस्वी को ही ये भी बना था सबसे छोटा जिला है ये और ये सबसे लास्ट में बना है मतलब चौबीसवां जिला पूछे तो रामगढ़ है पूरा रामगढ़ का कहानी बताएंगे बहुत कुछ है यहाँ से सीखने वाला तो वो हम एक एक करके जब चलेंगे तो डिटेल से बताएंगे आपको तो देखिए सबसे पहले अब ये हो गया अब यहाँ पर एक जिला ऐसे करके यहाँ पर अ, मतलब है इस तरह करके मतलब बोकारो देखिए बोकारो को माराफारी कहते हैं ठीक है सेफ यार्ड भी बोलते हैं माराफारी भी बोलते हैं बोकारो को ठीक है तो ये सेफिल्ड भी बोलते हैं स्टील सिटी भी बोलते हैं बोकारो को और ये बोकारो कब बना था तो उन्नीस में उन्नीस में बोकारो उन्नीस में चतरा और उन्नीस में गढ़वा भी बना था तो ये बोकारो यहाँ पे दिमाग में रखना है स्टील सिटी ऑफ बोकारो तो ये बना था कब उन्नीस सौ में ठीक है ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो ध्यान में रखेंगे इसके बाद ये जो क्षेत्र है ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे ये है धनबाद धनबाद तो ये धनबाद जो है वो कब बना था तो धनबाद जो है उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में बना था देखिए अब थोड़ा सा आप लोग लिखते भी चलिएगा जैसे बोलते हैं ना उसको सुनकर लिखिएगा कभी कभी नहीं दिखे तो आप उसको बोलने से लिख लीजिएगा ठीक है तो धनबाद जो है वो कब बना था तो धनबाद जो है उन्नीस सौ छप्पन में बना था तो धनबाद तो इसको भी दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा धनबाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है बोकारो के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है हम उसी को पढ़ेंगे क्या उसी को पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछने का चांस बनता है हम उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे ठीक है उसके बाद अब यहाँ पर एक और बढ़ गया एक बच गया कौन तो सबसे लास्ट में देखते हैं यहाँ पर कौन गिरिडीह ठीक है डी आज तक हमको ग्रीडी लिखने नहीं आता है तो देखिए ग्रीडी जो है वो बन गया अब ये ग्रीडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिला है इसमें बताएंगे कि कबूतरी पहाड़ क्यों नाम पड़ा और पारसनाथ कैसा स्थिति में है पारसनाथ की स्थिति इसको झारखंड धाम बोलते हैं क्यों बोलते हैं ये पूरा डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे गिरिडीह में और पूरा डिटेल्स गिरिडीह को समझेंगे ठीक है तो ये आपका हो गया मतलब ये कब बना ये भी क्वेश्चन पूछेगा उन्नीस सौ ईस्वी में उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में ये गिरिडीह बना था तो लास्ट में हम देख लिए गिरिडीह तो इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो 24 जिला हो जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तरी छोटा नागपुर में कौन सा नया जिला है तो ये जो रामगढ़ है झारखंड गठन होने के बाद बना है तो एक रामगढ़ ही होगा इसमें अगर संथाल परगना में पूछे कि झारखंड गठन के बाद कौन सा जिला बना तो ये जामताड़ा बना है अगर कोल्हान में पूछे कि नया कौन बना है तो कोल्हान तो झारखंड गठन के बाद ही बना है लेकिन नया जिला पूछा जाए तो सरायकेला खरसावा इसमें होगा इसी तरह से अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में नया जिला पूछा जाए कि झारखंड गठन होने के बाद कौन सा बना है तो ये दिमाग में रखना है ये जो सिमडेगा है ये भी बना है और खुट्टी एकमात्र दक्षिणी छोटा नागपुर है जिसमें दो दो जिला झारखंड गठन के बाद बना है खुट्टी और सिमडेगा इसी तरह से गढ़ मतलब पूछा जाएगा पलामू परमंडल में कौन सा जिला कब बना है तो ये जो गढ़वा है मतलब ये आपका लातेहार है वो नया जिला झारखंड गठन होने के बाद बना है तो देखिए ये मकर जाल जैसा जो दिख रहा है ना वो धीरे धीरे हुआ है क्या धीरे धीरे हुआ है तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में तो ये स्थिति बता दिए कौन सा जिला कहाँ पे है अगर आप क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ज़िला उड़ीसा से टच करता है छत्तीसगढ़ से टच करता है कौन सा बंगाल से और कौन सा बिहार से करता है वो आप सब कुछ आप खुद कर लेंगे जैसे बोलेंगे कि बिहार से कितने ज़िले झारखंड के टच करते हैं तो दस जिला कौन सा कौन सा है तो गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग फिर इधर कोडरमा गिरिडीह फिर उसके बाद एक देवघर हो गया दुमका हो गया फिर गोड्डा हो गया और साहेबगंज हो गया तो ये कहाँ से टच करते हैं तो ये बिहार से टच करते हैं आसान हो गया समझना इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल से कौन कौन सा टच करता है तो इधर से पूरा चलते जाएंगे साहिबगंज वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पर पाकुड़ हो जाए ये पाकुड़ हो जाएगा दुमका हो जाएगा जामताड़ा हो जाएगा धनबाद हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएँगे बोकारो फिर रामगढ़ हो जाएगा रांची का क्षेत्र हो जाएगा सराय किला खरसावा हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम हो जाता है ठीक है तो इसको दि यहाँ पर दिमाग में रखेंगे फिर अगर आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा से कौन सा कौन सा ज़िला टच करता है तो एक पूर्वी सिंहभूम टच करता है एक सराय किला खरसावा टच करता है यहाँ पर एक पश्चिमी सिंहभूम टच करता है और एक सिमडेगा टच करता है तो इस तरह से ये चार चार जिले टच करते हैं यहाँ कितने ज़िले हो गए तो ये भी दस ज़िले हो गए बंगाल से टच करने वाले इसके बाद अगर आपसे छत्तीसगढ़ का पूछेगा छत्तीसगढ़ से कौन से कौन से ज़िले टच करते हैं झारखंड के तो देखिए सिमडेगा हो गया गुमला हो गया लातेहार हो गया और एक गढ़वा हो गया इस तरह से इससे कितना ज़िला टच करता है तो चार जिला टच करता है और उत्तर प्रदेश से मात्र एक जिला गढ़वा सीमा बनाता है तो गढ़वा से अगर कभी कभी अब इधर का क्या है उत्तर प्रदेश का एक ही जिला इससे भी टच करता है तो कभी कभी ये ना पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो गढ़वा से टच करता है तो ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप दिमाग में रखेंगे ये सोनभद्र जिला है कौन सा जिला सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो गढ़वा से सीमा बनाता है और सोनभद्र जिला ही पूरा भारत का एकमात्र जिला है जो चार चार, चार स्टेट से सीमा बनाता है इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं अगर आप देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि कौन सा कौन सा जिला जो है वो गढ़वा से सीमा बनाता है तो एक अच्छा आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाना चाहिए कि कौन सा जिला की स्थिति और अवस्थिति कहाँ है अगर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जिलों का निम्न में से कौन सा जिले का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है ऑप्शन रहेगा तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण कैसे आ रहा है तो देख लीजिएगा अगर आपसे पूछेगा पश्चिम से पूरब की ओर जिलों का क्रम कौन सा है तो पश्चिम से पूरब की ओर जिलों का क्रम तभी आप बता सकते हैं जब जिलों की स्थिति और अवस्थिति आपको पता हो तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और झारखंड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा देखिए अब यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जिलों से तो एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मतलब जन जनजातीय क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है तो ये जो है रांची है अगर ये भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है आपको बताएंगे बहत्तर सौ चौबीस इसका क्षेत्रफल है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है सबसे अधिक आबादी वाला जिला उनतीस लाख से ज़्यादा लोग रहता है रांची में रहता है सबसे अधिक मतलब सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ होगा तेरह सौ इकतालीस वर्ग किलोमीटर में है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जहाँ पे आबादी रहता है लोहरदगा जो साढ़े चार लाख लोग यहाँ पे रहता है तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है तो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो इसके बाद हम आपको एक एक जिला करके चलेंगे एक एक जिला एक एक परमंडल का एक एक जिला करके आगे बढ़ाएंगे और झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए जिससे क्या होगा कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो हम चीज़ें को इसी तरह से पढ़ा देंगे आप लोग को कहीं किसी तरह का कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा न बुक पढ़ने का भी जरूरत पड़ेगा बस चीज़ों को एक बार अच्छे से देखिए और हो सके तो लिखिए अगर माँ बाप के सपने को पूरा करना है तो लिखा कीजिए अगर नहीं लिखेगा ना तो चाइनीज़ माल समझ करके हम धो देंगे क्या चाइनीज़ माल समझ करके धो देंगे और जिसको पढ़ने में तकलीफ होता है ना वो हमको ना क्या करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में एड्रेस दे देंगे क्या एड्रेस दे देंगे उसमें क्या करेंगे हम अपना आदमी को मास्क लगा के आपके तक भेजेंगे आपको पूरा ठोक कर आपको पूरी तरीका से ठोक कर फिर आपके बाबूजी जी आपके पिताजी को सौंप दिया जाएगा अब मेरा आदमी लोग फिर वापस आ जाएगा ठीक है तो आप अपना अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो नीचे एड्रेस दे दीजिएगा पूरा फिर आप मेरा आदमी लोग वहाँ जाएगा आपका काम तमाम करेगा फिर उसके बाद आ जाएगा यार एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए ना आपका अपना सपना है अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए ना सब कुछ हो जाएगा बस कोरोना पीरियड में अपने चरणों को घर के अंदर में रखिए और तीसरे चरण से बचे रहिए और लाइफ में एक जो आपको फॉर्म मिल रहा है अभी भरने का मौका और अपॉर्चुनिटी मिला है और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है तो उसका लाभ लेने का कोशिश कीजिए और पूरा दिल दा जान लगा के पढ़िए ठीक है गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड को थोड़े दिन के लिए हटा दीजिए क्या पूरा थोड़े दिन के लिए हटा दीजिए मतलब ऐसे ही रहिए बाद में तो आपको जब आप सिलेक्शन हो जाएगा ना तो ये सबका लाइन लगा रहेगा क्या ये सबका लाइन लगा रहेगा कोई तकलीफ नहीं होगा बस एक बार मन से तो पढ़िए देखिएगा किस तरह का सिलेक्शन होता है केवल दिल से चार छः महीना मेहनत कर लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मेहनत किया और हमने क्या पाया बस आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए रटने का कोशिश नहीं कीजिए क्या रटने का कोशिश एकदम बिल्कुल नहीं कीजिए बस समझने का कोशिश कीजिए हम आपको करंट अफेयर तक भी बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं बस आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम इस पर इतना कुछ देने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते बस आप एक बार हमको सपोर्ट कीजिए और साथ चलिए जब तक सलेक्शन नहीं होता है तब तक मेरे साथ चलिए और सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक साथ साथ चलिए और उसके बाद हम लोग आगे जाकर आग लगाते हैं पूरी तरीका से अब जे एस एस सी जैसे बिल्डिंगों में आग लगाने नहीं बोल रहे पेपरवा में आग लगाने बोल रहे ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा तो चीजें हाँ आपको समझ में आ रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जय हिंद दोस्तों आज झारखंड दर्शन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रांची दर्शन को देखेंगे और रांची से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में रांची जिला से उसको देखने का प्रयास करेंगे इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा यहाँ से रांची जिला से स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा से चीज़ों को समझेंगे और साथ में पेन पेपर रखे रहेंगे साथ में नोट डाउन करते चलेंगे अगर आपको बहुत अच्छा से चीज़ों को समझना है पढ़ना है तो नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ में बहुत आपको लाभ मिलेगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं रांची जिला को तो पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं रांची जिला जो है वो कहाँ पर है तो एक छोटा सा हम मैप बनाते हैं आप लोग भी थोड़ा बना लीजिएगा हर दिन मैप से पढ़ने का प्रयास कीजिए सब कुछ तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और मैप से नहीं बनाइएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी ठीक है तो आप अगर अच्छा से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मैप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा देखिए मान लेते हैं ये झारखंड है मान लीजिए देखिए हम कोई पेंटर नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बना दे लेकिन दिमाग में रखना है कि ये एक झारखंड है अब देखिए ये झारखंड है तो इसके ये इसके मध्य में यहाँ पर देखेंगे ये वाला एरिया में आपको पता होगा जो ये एरिया ऐसे पड़ता है इस तरह से इस तरह का एरिया पड़ता है और ये एरिया पड़ता है तो इसके बीच में ये दक्षिणी छोटा नागपुर है ठीक है ये जो एरिया है वो आपका कौन सा है तो दक्षिणी छोटा नागपुर ठीक है दक्षिणी ये दक्षिणी छोटा नागपुर है और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है रांची है ठीक है और यह कृषि क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है तो यह भी दिमाग में रखेंगे कृषि प्रधान क्षेत्र है दक्षिणी छोटा नागपुर और ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर है और उत्तरी छोटा नागपुर को दो बराबर भागों में दो भागों में बांटने का काम जो लातेहा टोरी क्षेत्र से निकलती है एक दामोदर नदी और इस तरह से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ये इस तरह से ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इस तरह का स्थिति बना रही है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बीच में जो स्थिति बनाने का काम कर रही है बांटने का काम कर रही है वो कौन दामोदर नदी उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को दो बराबर भागों में या दो भागों में बांटने का काम करती है तो ये और ये कैसा क्षेत्र है तो एक कृषि क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है तो इसको भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब यहाँ से बात आता है कि रांची है कहाँ रांची कहाँ पे है देखिए हम बनाने में थोड़ा सा आप अच्छे से मैप लेकर बैठ के देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा देखिए रांची जो है ना ये वाला जोन है ये वाला जोन जो है वो रांची है जो ये है आपका राजधानी रांची झारखंड की राजधानी रांची है ठीक है तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है और ये जो रांची है वो सर्वाधिक सीमा लगाता है जिलों से सर्वाधिक सीमा लगाता है और ये मध्य में स्थित है झारखंड के मध्य में रांची स्थित है इसीलिए शायद इसको राजधानी भी बनाया गया तो देखिए अब रांची कैसे बना ये सबसे पहले समझना जरूरी है रांची कैसे बना ये सबसे पहले समझना जरूरी है उसके बाद हम रांची की स्थिति को दिखाएंगे देखिए बहुत लोगों का कंफ्यूज़न है तो सबसे पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं देखिए सबसे पहले रांची जिला बनने से पहले थोड़ा सा कहानी समझ लीजिएगा बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको देखिए सबसे पहले जो 1833 का कहानी बता रहे हैं 1833 में बिलकिंसन एक अधिकारी हुआ करता था उस समय का कहानी बता रहे हैं कि इस समय झारखंड में तीन जिला हुआ करता था ठीक है ये जो है वो तीन जिला हुआ करता है इधर देख रहा होगा थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है यहाँ पर अगर नहीं भी दिखे ना तो आप नोट डाउन करते चलिएगा हम सब कुछ बोलते भी चलेंगे ठीक है तो ये नहीं कि ये सब कुछ दिखना ही चाहिए अगर कुछ नहीं भी दिखे गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम से तो आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे क्या नोट डाउन करते चलेंगे अगर अपने सपने को पूरा करना है तो नोट डाउन भी साथ साथ करते चलेंगे हाथ पैर सब कुछ चलाएंगे केवल बेड बेस्तर में घुसने से कुछ भी काम नहीं चलेगा दोस्तों कुछ भी काम नहीं चलने वाला है तो देखिए सबसे पहले ये अठारह सौ तैंतीस ईस्वी में एक जिला बना था लोहरदगा देखिए लोहरदग्गा ठीक है ये लोहरदग्गा बना था दूसरा एक जिला यहां पर बना था जिसका नाम है हजार मानभूम पहले मानभूम लिख देते हैं मानभूम ये मानभूम और एक बना था हजारीबाग अब ये हजारीबाग ये तीन जिला प्रारंभ प्रारंभ में था 1833 सो ईस्वी में विल्किसन के समय देखिए अब जब लोहरदग्गा जो था ना इसका मुख्यालय कहां था तो सबसे पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था शेरघाटी कब अठारह ईस्वी में 1833 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ था गाटी। शेर घाटी घाटी ठीक है ये शेर घाटी हुआ करता था इसका मुख्यालय 1833 सौ ईस्वी में लोहरदग्गा का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था शेर घाटी हुआ करता था लेकिन बाद में ये जो शेर घाटी मुख्यालय है ना इसको हटा कर लोहरदगा लोहरदग्गा ठीक है लोहरदगा जो है लोहरदग्गा कब बनाया गया

कब कहाँ कर दिया गया तो ये लोहरदग्गा कर दिया गया और फाइनली बाद में इसको क्या किया गया कि इसको जिला से ही हटा दिया गया लोहरदगा को क्या किया गया जिला से हटा दिया गया लोहरदग्गा को जिला से हटा दिया गया और जिला जो है वो अठारह ईस्वी में रांची को बना दिया गया मतलब रांची कब जिला बना तो अठारह तो ईस्वी तो में तो दिमाग में रखना है कि लोहरदगा का अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया यहाँ पर और 1899 सौ ईस्वी में रांची राजधानी बन गया अब रांची राजधानी बन गया तो एक अनुमंडल बन गया कौन लोहरदगा और मानभूम इसी समय जो है 1833 सौ ईस्वी में ये जिला था लेकिन बाद में आगे बताएंगे जब धनबाद पढ़ेंगे तो कि 1956 सौ छप्पन ईस्वी में यहाँ पे धनबाद के नाम से ये आया धनबाद के नाम से अस्तित्व में आया तो इसका भी अस्तित्व नहीं रहा लेकिन 1833 ईस्वी में जो रांची ये हजारीबाग बना वो आज भी 1833 ही रहा है मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हजारीबाग में तो हजारीबाग आज भी उसी तरह से है जिस तरह से था तो ये 1833 में हजारीबाग बना मानभूम बना था लेकिन इसका स्वरूप चेंज होकर अब धनबाद हो गया इसीलिए ये रहा नहीं और लोहरदग्गा जो है वो देखिए पहले लोहरदग्गा का मुख्यालय शेरघाटी हुआ करता था अठारह में फिर उसके बाद शैर घाटी ये विल्किसन के समय का बात बता रहे हैं अठारह ईस्वी में यह सब विल्किसन का कांड था उसके बाद यहाँ पर शेरघाटी था फिर उसको चेंज करके लोहरदग्गा अठारह सौ ईस्वी में किया गया और उसके बाद फाइनली जो लोहरदगा को जिला से हटा दिया गया अठारह ईस्वी में रांची को जिला बना दिया गया विल्किंसन थोड़ा उत्पाटांग टाइप का काम किया वही किया था क्योंकि उसको ना रांची पसंद लगता था पसंदीदा जगह था उसको रांची को एक प्रकार से स्विट्जरलैंड समझता था वैसे भी झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है रांची को ही कहा जाता है ठीक है और रांची को ही विल्किसनगंज कहा जाता है किशुनपुर कहा जाता है क्योंकि ये सब विल्किसन का नाम था तो ये सब उप है रांची का विल्किसनगंज किशुनपुर हो गया शहीदों की नगरी हो गया झीलों का शहर हो गया सॉरी मतलब झरनों का शहर हो गया ये सब किसका है नाम तो ये रांची का ही नाम है तो देख लिए रांची कैसे बना तो अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में रांची बना अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं इस साइड में क्योंकि अब रांची जब अठारह सौ निन्यानवे में जिला बना तो इसके इससे क्या क्या कांड हुआ उसको समझ लीजिए देखिए यहाँ पर ये यह रांची है वो जिला बन गया कब अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में अब ये अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में बना रांची जिला तो फिर इससे जो दो दो अनुमंडल कट गया देखिए एक यहाँ पर एक अनुमंडल बना गुमला गुमला ठीक है ये गुमला गुमला बना कब तो अनुमंडल कब बना जिला कब बना अलग बात है अनुमंडल कब बना अलग बात है देखिए यहां जिला जो है वो अठारह उन्नीस सौ उन्नीस सौ दो ईस्वी में बना गुमला जो अनु मतलब अनुमंडल कब बना उन्नीस सौ दो ईस्वी में बना और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके बाद एक और जो है खुट्टी जो खुट्टी खुट्टी कब बना अनुमंडल कब बना तो अनुमंडल जो है ये उन्नीस सौ तीन में बना था तो दो यहां डेट हो गया कि जो रांची जब जिला बना अठारह ईस्वी में तो उसके बाद अनुमंडल पहला बना कौन तो अनुमंडल पहला बना गुमला कब बना यहाँ पे 1902 ईस्वी में और एक और अनुमंडल बना यहाँ पे खुट्टी 1903 ईस्वी में और ये जो तीन डेट है ना वो और बहुत महत्वपूर्ण डेट है देखिए 1900 अगर अठारह ईस्वी में देखेंगे तो उलगुलान विद्रोह जिसको कहते हैं मुंडा विद्रोह झारखंड में जिसको मुंडा विद्रोह कहते हैं उसी को उलगुलान विद्रोह कहते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन उसी को कहते हैं ठीक है तो वो उग्र रूप से कब चालू हुआ था उग्र रूप लिया था अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में वैसे अठारह सौ पंचानवे ईस्वी से मतलब पूरी तरीका से चालू हुआ था अठारह सौ पंचानवे ईस्वी से उन्नीस सौ आते आते तक ठंडा हो गया था लेकिन सबसे ज़्यादा उग्र रूप लिया था अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में तो देखिए ये भी जिला रांची कब बना अठारह सौ निन्यानवे में रिलेट करके इस तरह से दिमाग में रखेगा देखिए उन्नीस सौ दो ईस्वी में गुमला अनुमंडल बना उन्नीस सौ दो ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था उन्नीस सौ दो ईस्वी में जो सी एन टी देखिए सी एन टी है छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम वो स्टार्ट हुआ था उसका सर्वे प्रारंभ कब हुआ था 1902 सौ में ये सब पूछेगा आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा पूरा रांची जिला को हम समझाने में बहुत कुछ आपको बताएंगे तो एक बार अच्छे से देखिएगा चीज़ों को शेयर भी किया कीजिएगा दोस्तों तक इससे क्या होता है मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है और इंटरेस्ट भी बनता है अब हम बारह बजे एक बजे रात को इस तरह खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं बस एक मोटो है कि हम लोगों को कुछ जागरूक कर सकें और झारखंड की जो लचर पचर शिक्षा व्यवस्था है ना उसको ठीक कर सके इसके लिए हम सबको एकजुटता के साथ आना पड़ेगा तो इसके लिए हमको समझना भी चीज़ों को पड़ेगा अपना राज्य को अच्छा से समझना पड़ेगा तो देखिए तो यहाँ पर कहने का मतलब है 1902 सौ में सी एन टी जो है वो प्रारंभ हुआ था सर्वे प्रारंभ हुआ था 1902 सौ में सर्वे प्रारंभ हुआ था ठीक है सीएनटी का और उन्नीस सौ दो ईस्वी में गुमला अनुमंडल बना था देखिए दो दो बात बता रहे हैं सब याद रखे रहिएगा और उसके बाद उन्नीस सौ तीन ईस्वी में सर्वे जो है ना वो सीएनटी एक्ट का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया था सर्वे उन्नीस सौ तीन ईस्वी में कंप्लीट हो गया था और यहाँ पर जो खुट्टी है वो एक नया अनुमंडल बना था तो खुट्टी नया अनुमंडल बना उन्नीस सौ तीन में और यहाँ पर सी एन टी जो है वो कब बना तो उन्नीस उस उन्नीस सौ में कंप्लीट हो गया और फाइनली सी जो है उन्नीस सौ ईस्वी में लागू हो गया पूरी तरीका से ये छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम जो है वो लागू हो गया कब तो उन्नीस सौ ईस्वी में तो देखिए इतना सारा जा बात बताएं उस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा सब आपको काम देगा कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सब आइटम बम है सबको दिमाग में रखे रहिएगा ठीक है अब यहां पर बात आता है कि जो गुमला है वो देखिए अनुमंडल बना लेकिन गुमला रांची के अंदर बहुत दिनों तक नहीं रहा क्या बहुत दिनों तक नहीं रहा वो क्या हुआ कि उसके बाद स्वतंत्र जिला के रूप में भी आया कब आया तो याद रखिएगा उन्नीस सौ ईस्वी को कब उन्नीस ईस्वी को उन्नीस ईस्वी को गुमला स्वतंत्र अनुमंडल स्वतंत्र जिला के रूप में बना और ये जो खुट्टी है ना भाई खुट्टी भी स्वतंत्र रूप से बना कब तो स्वतंत्र रूप से कब बना तो ये भी दिमाग में रखिएगा बता देते हैं कि रांची को इसका जो जिला बनाया गया जब रांची को जिला बनाया गया किसे अलग करके तो ये मतलब लोहरदगा को हटाकर रांची को जब जिला बनाया गया तो फिर से जो लोहरदगा है वो जिस समय गुमला जिला बना उसी समय वो भी जिला बन गया तो दिमाग में रखिएगा जिस समय गुमला जिला बना था उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में उसी उसी समय लोहरदग्गा लोहरदगा भी उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया तो कहने का मतलब रांची जिला बना उसके पीछे इतना सारा खेला है ये सब को समझ लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है डिटेल्स पढ़ना होगा समझना होगा चीज़ों को तब जाकर आपको अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले उन्नीस सौ ईस्वी में रांची जिला बना फिर से देख लीजिए रांची कब ज़िला बना उन्नीस सौ निन्या अठारह में रांची जिला बना इसका अनुमंडल गुमला बना उन्नीस सौ ईस्वी में इसी समय छोटा नागपुर जो कस्तकारी अधिनियम का सर्वे चालू हुआ था फिर मतलब उन्नीस सौ उन्नीस सौ तीन में खुट्टी अनुमंडल बना उसी समय उन्नीस सौ तीन ईस्वी में सर्वे कंप्लीट हो गया छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम का फिर उसके बाद छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम उन्नीस सौ आठ में लागू हो गया लेकिन फिर जो गुमला है वो एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी को गुमला जो है जिला के रूप में अस्तित्व में आया इसी समय लोहरदगा जो रांची को, को जब जिला बना दिया गया था तो लोहरदगा को हटा दिया गया था जिला से बाद में लोहरदगा को फिर से जिला बना दिया गया रांची से अलग करके कब तो ये उन्नीस सौ तिरासी ईस्वी में और खुट्टी कब बना तो 12 सितंबर 2007 हजार ईस्वी को ये ताइसवाँ जिला बना ठीक है ताइसवाँ जिला बना चौबीसवां जो है हजारीबाग से कट करके इसी तारीख को बना है जिसका नाम है जो रामगढ़ है ठीक है वो बना है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी हम केवल रांची का स्थापना बताएं, और रांची का स्थापना बताने के कारण इतना सारा खेला बताना पड़ा बहुत भाई लोग कमेंट करता है ना कि हजारीबाग का स्थापना इसके पहले बता रहे थे स्थापना तो बोला कि बहुत सारा लोग बता रहा था कि अठारह कहीं लिखा हुआ है भाई साहब अठारह ईस्वी में जब विल्किसन ने इस चीजों को ये तीनों जिला को बनाया था तो ये सब का अस्तित्व अलग हो गया लेकिन हजारीबाग का अस्तित्व ऐसा ही बना रहा क्या हजारीबाग का अस्तित्व उसी तरह रहा इसीलिए कुछ कुछ बुक अठारह लिखा है लेकिन ये देखिए आप लोग इसको अपने तरीका से वेरीफाई कर लीजिएगा क्या अपने तरीका से वेरीफाई कर लीजिएगा एक दो बार एग्जाम में पूछा है कि आजारीबाग का स्थापना कब हुआ है तो वो अठारह लिखा था लेकिन आप अच्छे से देख लीजिएगा आप ये दोनों ईस्वी को वेरीफिकेशन कर लीजिएगा लेकिन जितना कहानी था जितना ये कांड हुआ है वो हम सब कुछ आपको बता दिए तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी तो इसको अच्छे तरीका से नोट डाउन भी करते चलिएगा आपको बहुत ज़्यादा काम देगा देखिए अब रांची की स्थापना हो गया अब रांची का स्थापना हुआ तो अब इसका क्षेत्रफल इसका विस्तार इसका इतिहास इसका ज्योग्राफी, इसका मतलब इसका पर्यटन स्थल इसका बहुत सारा चीज़ देखेंगे इसका नदी इसका झील झील देखेंगे इसका घूमने का स्थान कौन सा होगा सब कुछ इस कराची का देखने वाले हैं जहाँ से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन वही से आपको देखेंगे क्या वही से आपको देखेंगे बस अब चीजों को बहुत अच्छे से समझते चलिए आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं क्या कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है बस आप पेन पेपर लिख रख कर और नोट करते चलिए क्या रख कर नोट करते चलिए तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए हम ये सब थोड़ा मिटा देते हैं और ये सब देखिए भाई आप लोग चलिए पूरा साथ हम मेरे साथ अच्छे से चलिए देखिए आपको सब कुछ अच्छे तरीका से मिलेगा समय पर सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे एक तारीख एक फरवरी से कंटिन्यू क्लास चलेगा ठीक है बस आप लोग का सहयोग और सपोर्ट पूरा तरीका से हमें मिलना चाहिए तभी जाकर हम ये कर पाएंगे अच्छे तरीका से और देखिए जहाँ तक होगा मेरा पूरा सहयोग होगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट हम इस पर करने वाले हैं ठीक है बस चीज़ों को अच्छे से देखिए समझिए और कुछ देखिए कुछ अगर आपको लगता है कि हम रांची ज़िला के बारे में जानते हैं और हम यहाँ पर नहीं बताएं कुछ कुछ जब हम पूरा बता देंगे और जब आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर एनालिसिस कीजिएगा कि क्या नहीं बताया गया क्या क्या नहीं बताया गया जो नहीं बताया गया ना दोस्तों वो क्या करिएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने से कि देखिए ये चीज़ भी पूछा जाता है लेकिन आपने नहीं बताया क्या आपने नहीं बताया देखिए हम भी मेरा भी दिमाग होता है मेरा एक दिमाग है आप लोग के पास हजारों दिमाग होगा जितना लोग देखेंगे उतना दिमाग होगा तो हो सकता है मेरे पास एक दो डाटा छूट जाए क्या एक दो डाटा छूट जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये कंपटीशन में पूछा जाता है और ये नहीं बताया ठीक है थीके? तो हम उसको देख लेंगे लेकिन गलत नहीं लिखेंगे क्या गलत नहीं लिखेंगे गलत लिखेंगे हम उस कमेंट को रिमूव कर देंगे क्योंकि बहुत सारा भाई लोग ये कमेंट देखता है पढ़ता है अगर गलत लिख दीजिएगा तो वो गलत पढ़ लेगा उसका टीक गलत लग जाएगा तो उसका करियर भी बर्बाद हो सकता है तो ये चीज़ हम नहीं करने वाले हैं बिल्कुल सही लिखेंगे जो फैक्ट पता होगा वही लिखेंगे और हम कमेंट मेरा आदमी लोग देखते रहता है कमेंट मेरा टीम उस पर कमेंट देखते रहती है और कमेंट अगर गलत रहा जो फैक्ट सही नहीं रहा उसको रिमूव कर दिया जाएगा जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो मतलब किसी को दिक्कत ना हो नहीं तो पता चलेगा आप कमेंट में कोई आंसर दिए और कुछ गलत लिख दिए पता चला गलत लिख दिए कोई रट लिया और वो एग्ज़ाम में गया वही चीज़ मार दिया तो उसका एग्ज़ाम चल गया गड्ढे में तो गलत हो जाएगा ना तो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप एकदम फैक्ट जानिएगा तभी लिखिएगा किताब उताब अच्छे से पढ़ के तब लिखिएगा ठीक है तो चलिए रांची जिला के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले रांची यहाँ पर देखते हैं देखिए खाली जहाँ है ऐसे पूरा मिठाई के लिख देंगे ठीक है तो देखिए रांची यहाँ पे जिला है अब ये रांची की स्थापना कब हुआ अब रांची का स्थापना अगर कब हुआ अगर पूछा जाए तो ये तो अभी देख ही लिए अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में रांची की स्थापना हुआ था ये बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रांची की स्थापना कब हुआ था तो रांची की स्थापना जो है वो हुआ था अठारह सौ निन्यानवे ईस्वी में इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए इसका क्या क्षेत्रफल पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल कहीं कहीं लिखता है पचास संतानवे ऐसे लिखता है कहीं कहीं क्षेत्रफल ये लिखता है अब कुछ किताब लिखा है मतलब बावन सौ इकतीस मतलब बावन सौ क्षेत्रफल कुल मिलाकर दक्षिणी छोटा नागपुर का ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है सबसे बड़ा जिला है ना तिरपन सौ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये गुमला है और सबसे छोटा है यहाँ लोहरदगा लोहरदगा जो है वो सबसे छोटा है दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला रांची कभी नहीं मारिएगा क्या रांची कभी नहीं मारिएगा कौन सा है गुमला है ये बावन सौ वर्ग किलोमीटर है और आपका जो गुमला है वो कितना वर्ग किलोमीटर है वो तिरपन सौ वर्ग किलोमीटर है कितना वर्ग किलोमीटर है वो तिरपन सौ वर्ग किलोमीटर है तो इसीलिए कभी भी आप नहीं मारिएगा क्या लोहरदगा ये कभी भी रांची सबसे बड़ा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर को नहीं मारिएगा जनसंख्या में सबसे ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल इसका मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है तो गुमला का है वो तिरपन सौ साठ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये बावन सौ तक है तो कुल मिलाकर ये दूसरा सबसे बड़ा दक्षिणी छोटा नागपुर का जिला है तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सबको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चलिएगा आपको कहीं ना कहीं ये सब काम ही देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखिए ये हो गया क्षेत्रफल अब हम जान लिए अब देखिए क्षेत्रफल अगर हम जान लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका बाद ये पूछेगा इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनुमंडल कितना है अनुमंडल इसमें कितना है मतलब ये जो रांची जिला है उसमें कितने अनुमंडल है तो रांची जिला में दो अनुमंडल है ठीक है दो अनुमंडल है जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखेगा और उसके बगल में डेट उट जो होता है ना जैसे अब यहाँ पर बुंडू और रांची सदर ये हम नहीं लिख रहे हैं तो रांची अब बुंडू जो है ना वो आप लिखिएगा क्या आप लिखेगा और नहीं तो ऐसा ही लिखेगा नहीं लिखेगा खाली दो को लिख कर छोड़ दीजिएगा क्या दो को लिख कर छोड़ दीजिएगा आप कल को भूलिएगा ना तो ऐसे सोचिएगा क्या बताया गया था दो अनुमंडल था क्या बताया गया था अच्छा अच्छा एक बुंडू था और एक बुंडू था और एक और, एक और कौन था कौन था रांची सदर था रांची सदर था तो आपका जो दिमागवा में ना जो सेलवा जो है ना ये सेल ये बैठ गया होगा ना तो ये क्या करेगा एक्टिव हो जाएगा क्या एक्टिव हो जाएगा तो ये सेल जो बैठाइए नहीं मतलब बोगा साड़म जैसा नहीं बना दीजिएगा इसको समझे इसको क्या है अपडेट रखिए पूरी तरीका से अपडेट रखिए तो इसको थोड़ा जोर दीजिए जोर जितना दीजिएगा उतना खुलेगा क्या उतना खुलेगा जोर दीजिएगा उतना खुलेगा जितना आप खोलना चाहते हैं तो ध्यान में रखना है दो अनुमंडल है इसमें ठीक है रांची सदर और एक बुंडू दो अनुमंडल है इसमें और एक दिमाग में यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन रखिएगा प्रखंड जो प्रखंड है ना प्रखंड जो है देखिए प्रखंड जो है वो अठारह रांची जिला में प्रखंड कितने हैं अठारह ये सब की राजधानी है इसीलिए इसको दिमाग में रखने की जरूरत है राजधानी है इसीलिए सबको दिमाग में रखना है प्रखंड कितने हैं अठारह है ठीक है देखिए सर्वाधिक प्रखंड रांची में नहीं है देखिए सबसे अधिक जो है देखिए सबसे अधिक सबसे अधिक जो है अधिक अगर प्रखंड बोला जाए तो कहां पे है तो सबसे अधिक जो प्रखंड है वो यहां पे है पलामू में पलामू में पलामू कितना है तो 21 है और दूसरा नंबर में किस में है तो गढ़वा में गढ़वा में ये गढ़वा में कितना है तो बीस है देखिए पलामू में सर्वाधिक प्रखंड कितना है ये प्रखंडों की संख्या इक्कीस है गढ़वा में कितना प्रखंडों की संख्या है तो गढ़वा में प्रखंडों की संख्या बीस है ठीक है तो इसको दिमाग में रखिएगा तीसरे नंबर में आता है रांची तीसरा नंबर में प्रखंडों की संख्या सबसे ज्यादा किसके पास है रांची के पास है सबसे ज्यादा किसके पास प्रखंड है तो पलामू के पास इक्कीस फिर गढ़वा के पास बीस और रांची के पास अठारह प्रखंड है ठीक है विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछे इसमें सात विधानसभा क्षेत्र है पूरे रांची के अंदर में सात विधानसभा क्षेत्र है तो देखिए क्षेत्रफल दिमाग में रखेंगे ये दोनों को दिमाग में रखेंगे पांच हजार संतानवे और यहाँ पे जो बावन इकतीस ये दिमाग में रखेंगे अनुमंडल दो है ठीक है प्रखंड अठारह है विधानसभा का क्षेत्र जो है वो कितना है तो विधानसभा का क्षेत्र आपका सात है बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो इसको दिमाग में रखना है अब यहाँ पे बात होता है कि इसका जो ज, ज, जनसंख्या कितना है जनसंख्या ठीक है तो जनसंख्या याद रखिएगा उनतीस लाख चौदह हजार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनतीस लाख चौदह हजार जो है इसका जनसंख्या है और सर्वाधिक जनसंख्या है मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है रांची के पास है, है. उनतीस लाख चौदह हज़ार सबसे अधिक जनसंख्या है अगर देखा जाए तो देखा जाए तो इसका जो घनत्व जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं वो कितना है तो पाँच लोग पाँच लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहता है आप बताएंगे कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है रांची का जनसंख्या घनत्व पाँच है रांची का क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो इस अनुसार से जनसंख्या घनत्व भी अधिक है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है ये भी बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है ठीक है तेरह सौ सोलह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है देखिए तेरह सौ तेरह सौ सोलह वर्ग मतलब एक वर्ग किलोमीटर में धनबाद में रहता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कहाँ पे है धनबाद धनबाद अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो सिमडेगा ठीक है तो ये सिमडेगा में कितना है तो ये एक सौ उनसठ एक सौ उनसठ जो है यहाँ पे सिमडेगा में मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व एक सौ उनसठ है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व घनत्व जो है वो तेरह सौ सोलह वर्ग किलोमीटर है मतलब एक वर्ग किलोमीटर में इतना लोग निवास करता है और रांची में कितना है तो ये और पूरा झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे देखिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे ना तो आपको सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्या कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा सब कुछ ऐसे ही समझ में आने वाला है तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब यहाँ पे लिटरेसी रेट का बात आता है तो उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पे ही लिखेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा बात लिखकर हम मिटाएंगे और सब कुछ बताते चलेंगे एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे इतिहास उतिहास शिक्षण संस्थान सब कुछ क्लियर करते चलेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है देखिए अब यहाँ पे बात होता है अब यहाँ पे बात हमको देखना है कि क्या और पूछा जाता है यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा बहुत अच्छा से चीजों को समझिएगा तो चीजों को समझिएगा तो साक्षरता दर ठीक है कितना प्रतिशत साक्षर लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं रांची में तो साक्षरता दर दिमाग में रखिएगा कि पूरा कितना है जार, मतलब रांची का रांची का कितना है तो छिहत्तर प्रतिशत साक्षरता कितना है छिहत्तर प्रतिशत जिसमें पुरुष अगर साक्षर तो बोलेंगे सर्वाधिक साक्षरता यहीं पर है पाकुड़ में सबसे कम है अड़तालीस परसेंट लोग पढ़ा लिखा है पाकुड़ में काला पत्थर की नगरी पाकुड़ में ठीक है तो वो जो है इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे है रांची में शहीदों की नगरी रांची झरनों का शहर रांची फिर उसके बाद झारखंड का शिमला रांची ठीक है ये सब याद रखे रहिएगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ठीक है विल्किसनगंज रांची किशनपुर रांची ठीक है तो ये चीज यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये हो गया साक्षरता हो गया टोटल साक्षरता रांची का 76 परसेंट हो गया सार्वधिक साक्षरता इसी के पास है किसके पास रांची के पास है अब देखिए पुरुष की साक्षरता का बात करेंगे तो पुरुष का साक्षरता कितना है तो चौरासी प्रतिशत क्या चौरासी प्रतिशत चौरासी प्रतिशत से अधिक है चौरासी uh, ऐसे है ठीक है लेकिन आप चौरासी परसेंट याद रखे रहिए कि चौरासी है और स्त्री जो है स्त्री या महिला साक्षरता जो है वो कितना प्रतिशत है तो सड़सठ प्रतिशत है मतलब ये दिमाग में रखेंगे सड़सठ पॉइंट फोर फोर परसेंट सड़सठ पॉइंट फोर परसेंट ऐसे करके है ये स्त्री का साक्षरता तो टोटल रांची का साक्षरता देखिए राजधानी है इसीलिए इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत है लेकिन राजधानी नहीं रहता तो इतना जरूरी नहीं है बस केवल क्षेत्रफल जानिए जिला जा, मतलब तो उसका प्रखंड जानिए इतना ही जरूरत होता है लेकिन ये सब जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये राजधानी है तो कुछ भी पूछा जा सकता है तो देखिए साक्षरता पूछ देगा कि राजधानी रांची की साक्षरता दर क्या है तो छिहत्तर प्रतिशत है सर्वाधिक साक्षरता किसका है तो रांची का कितना छिहत्तर प्रतिशत है अगर आपसे पूछेगा कि ये जो पुरुष साक्षरता कितना है तो पुरुष साक्षरता कितना है तो ये चौरासी प्रतिशत पुरुष साक्षरता है महिला स्त्री साक्षरता कितना है तो स्त्री साक्षरता कितना है मतलब सिक्सटी सेवन परसेंट है सिक्सटी पॉइंट सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट है ये तो खर ठीक साक्षर है इतना ही साक्षर है तभी तो महिला लोग बेवकूफ़ बना देती है पुरुष को अगर ये सब ज़्यादा हो जाए तो पुरुष लोग तो मंगल ग्रह में चल जाएगा क्या मंगल ग्रह में चल जाएगा यहाँ तो रहेगा इन्हें धरती पर और न रहने देगी बाजार लेते जाएगी ना मार्केट में बेच देगी सुसरी सब कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर खा पका के रख जाएगी इतना ही साक्षर है उसके बाद भी बहुत कुराफाती होता है क्या बहुत कुराफाती होती है लेकिन कब मतलब ठीक है यही ठीक है मतलब ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है भाई लोग साक्षर रहना बहुत जरूरी है नहीं तो कहीं का भी कोई भी मजा बाजार में मतलब आसानी से बिक जाएगा मरद लोग पुरुष लोग ठीक है तो कहने का मतलब ये बात होता है ये साक्षरता दर ठीक है क्या ठीक है ये साक्षरता दर तो यह दिमाग में रखिएगा मतलब रांची का टोटल साक्षरता दर ये जो है पुरुष साक्षरता दर चौरासी परसेंट न महिला साक्षरता दर है सड़सठ पॉइंट फोर प्रतिशत और ये सर्वाधिक है सब कुछ में पुरुष साक्षरता में भी रांची सबसे आगे महिला साक्षरता में भी रांची सबसे आगे और टोटल सभी जिलों के साक्षरता में भी रांची सबसे आगे है इसको चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो ये तो रहा बेसिक बातें जो रांची का बेसिक बात है वो रहा अब थोड़ा इतिहास पर चलते हैं क्या थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा और समझते हुए आगे बढ़ेंगे देखिए अगर चीज़ों को बहुत अच्छा से समझना है तो रटिए नहीं बस मज़े से पढ़िए और आप लोग देखिए कोरोना में तो ज़िंदगी सबका उलट पलट कर रख दिया है तो कम से कम हंसते मुस्कुराते और सबको साथ लेकर चलने का कोशिश कीजिए ठीक है बस कोई दोस्त पीछे नहीं छूटे ये भी ध्यान में रखिएगा और कोई दोस्त आगे बढ़ रहा है तो चलने के साथ कोशिश कीजिएगा उसके चल उसके साथ चलने की कोशिश कीजिएगा अब देखिएगा इतिहास जानते हैं इतिहास जो है ना ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास यहाँ पे रांची जिला का क्योंकि रांची ज़िला का इतिहास में सबसे ज़्यादा अठारह से क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है लड्डू महाराज मथुरा प्रसाद गोविंद भगत ये सब जो मतलब आया है महात्मा गांधी के बाद के समय का आंदोलन में ये सब का ज़्यादा रोल नहीं है क्या ये सब का ज़्यादा रोल नहीं है मतलब जो रोल ज़्यादा पूछा जाता है मथुरा प्रसाद गोविंद भगत लड्डू महाराज ये सब जो है था यहाँ पर इतिहास में इसका नाम आता है रांची का इतिहास में नाम आता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि अठारह ये सब महात्मा गांधी के बाद का आंदोलन का लोग हैं ये सब लेकिन अठारह की क्रांति के समय जो मेरा मेन रांची का रोल रहा केंद्र बिंदु जो रांची हुआ वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है क्या वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो उसको ध्यान में जरूरी रखना है देखिए आपको सबसे पहले अठारह की क्रांति है देवघर ये वाला एरिया है देवघर रोहनी से चालू हुआ था मतलब अठारह की क्रांति आप लोग को पता होगा और ये इस एरिया में नहीं बढ़ा इस एरिया में नहीं बढ़ा आपसे पूछता भी क्वेश्चन अठारह की क्रांति में कौन सा एरिया अछूता रहा पढ़ाया गया अठारह का क्रांति डिटेल से मैप में लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए अठारह का क्रांति इधर का ही नहीं पढ़ा संथाल परगना तरफ का ही नहीं बढ़ा पता है इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि ये संथाल परगना में हुआ क्या था कि इसके पहले आपको पता होगा अठारह सौ पचपन छप्पन ईस्वी में एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम था संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह में बहुत अच्छे से लड़ा मतलब आगे बढ़कर सब जनजातियों ने लड़ा लेकिन अंग्रेजों ने इसको पूरा इस सब को थूर दिया था पूरा पकड़ के थूरा मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये सब में दहशत फैला दिया था अंग्रेज इतना मार मारा था यहाँ पे मतलब पूरी तरीका से संथालियों को तबाह करके रख दिया था लेकिन ये सब भी हिम्मत नहीं हारा था क्या हिम्मत नहीं हारा अब फिरंगियों को पूरा नाक चने चबाने पर मजबूर कर दिया था ठीक है ये सब कौन संथाली लोग बहुत हिम्मत से लड़ा और बहुत ताकत से लड़ा और अपना संघर्ष में अंग्रेजों को भी ये बता दिया कि हम भी कुछ चीज़ है क्या हम भी कुछ चीज है ये बता दिया था कौन संथालियों ने लेकिन क्या है कि संथालियों को बहुत ये सब मतलब कुचला था दबला कुचला था पूरी तरीका से कौन अंग्रेज लोग तो ये सब हुआ क्या कि इधर वाला लोग इधर आंदोलन नहीं किया ये आंदोलन इधर बढ़ा ही नहीं संथाल परगना से अछूता रहा अठारह की क्रांति ये इधर आगे बढ़ा और इधर जो है ये आगे इधर बना तो इधर जो है अठारह की क्रांति में गिरिडीह और हजारीबाग के साइड से एक नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र शाही सुरेंद्र शाही हजारीबाग और गिरिडीह के साइड से नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे इसके बाद ये इधर आ गया निचवा में और ये जो निचवा में आया ना तो ये हजारी ये था रांची अब रांची में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आता है कि ये जो डोरंडा क्षेत्र है रांची में जो डोरंडा क्षेत्र है यहाँ से अठारह का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नादिर अली और जयमंगल पांडे ना, नादिर अली और जयमंगल पांडे तो नादिर अली और जयमंगल पांडे जो हैं वो डोरंडा दो, दो, से नेतृत्व कर रहे थे लेकिन क्या है कि, कि किसी कारणवश अठारह की के क्रांति को लेकर कुछ बात विचार करने के लिए ये लोहरदग्गा से होते हुए लातेहार लोहरदग्गा से होते हुए और ये जा रहे थे बाबू कुंवर सिंह से मिलने बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर क्षेत्र है बिहार में वहाँ से अठारह की क्रांति को लीड कर रहे थे और अठारह की क्रांति का सबसे बुजुर्ग लीडर बोला जाए तो यही थे कौन तो ये थे कौन बीर वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से थे सबसे बुजुर्ग थे लेकिन अंग्रेजों को धज्जा उड़ाने का काम भी इन्होंने किया ये फिरंगियों को ने धज्जा उड़ा दिया था अकेले कौन तो ये बाबू कुंवर सिंह तो इन्हीं से मिलना था किन को नादिर अली और जय मंगल पांडे को और ये दोनों जा रहे थे जा रहे थे लेकिन हुआ क्या कि यहाँ चतरा है ये एरिया में चतरा पड़ता है आप लोगों को शायद पता होगा इधर चतरा पड़ता है ठीक है तो ये जो चतरा है ये चतरा में मतलब यहाँ पे मेजर इंग्लिश जो होता है वो पकड़ लेता है क्या मेजर इंग्लिश इसको पकड़ लेता है यहाँ पे और पकड़ने के बाद यहाँ पे झड़प होता है और ये पकड़ कर मतलब बोला जाता है कि यहाँ पे चतरा में ही पंसीहारी एक तालाब है पंसीहारी तालाब चतरा में एक जगह है आम के वृक्ष पर लटका कर नादिर अली और जयमंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है मेजर इंग्लिश के द्वारा यहाँ पे तो देखिए डोरंडा क्षेत्र अब खाली हो गया क्योंकि मेन नेतृत्व करने वाला यहाँ से निकल गया अब यहाँ खाली हो गया तो इस क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति आते हैं विश्वनाथ सहदेव ठीक है विश्वनाथ सहदेव उनका दीवान हुआ करता है दिमाग में रखिएगा उनका दीवान गणपत राय ठीक है हुआ करता है तो देखिए विश्वनाथ सहदेव तैयार नहीं रहते हैं कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में जाए ठीक है वो जो इनका दीवान होता है जिसका नाम होता है मतलब गणपत राय तो जो गणपत राय होते हैं वो इनको तैयार करते हैं गणपत राय तैयार करते हैं कि इनको राजा को मतलब विश्वनाथ साहदेव को कि देखिए अंग्रेजों के साथ लड़िए नहीं तो कल को आपका जमीन भी हड़प लेगा फिर उसके बाद नहीं बोलिएगा क्या उसके बाद नहीं बोलिएगा तो हुआ क्या कि जो गणपत राय थे वो समझाते हैं तो राजा समझ लेता है फिर राजा उन्हीं को नेतृत्व करने दे देता है अपने मेन रोल में रहता है सैन्य नेतृत्व जो है गणपत राय को दे देता है और ये सब डोरेंडा का जो मोर्चा है संभाल लेते हैं तो पांडे गणपत राय और उसका जो राजा है मतलब कौन तो विश्वनाथ सहदेव ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र को संभाल लेते हैं डोरंडा क्षेत्र को संभाल लेते हैं क्योंकि मेजर इंग, इंग्लिश जो है यहाँ तो दोनों को मार देता है नादिर अली और जयमंगल पांडे को मार देता है तो ये क्षेत्र खाली नहीं बचे तो इसके लिए ये दो लीडर सामने आ जाता है मतलब और ये नेतृत्व करना यहाँ से प्रारंभ कर देता है ये दोनों लीडर बहुत हौसला के साथ ये लड़ता है मतलब यहां पर कौन कौन सा हो गया तो विश्वनाथ और गणपत राय ये दो यहां से नेतृत्व करते हैं दो लीडर इसी रांची क्षेत्र में जो अठारह की क्रांति में आते हैं सामने और जो चुट्टू पालू है ना रांची जाने के क्रम में चुट्टू पालू घाट मिलता है तो वहां के एक राजा हुआ करते हैं टीके तुराव तुराव सिंह तो टीके तुराव जो है उनका दीवान होते हैं सिख शेख भिखारी तो शेख भिखारी ना उनको उसकाते हैं कि देखिए राजा साहब अगर आपको अपना शासन उशन बचाना है ना तो ये फिरंगियों से लड़ना पड़ेगा क्या फिरंगियों से लड़ना पड़ेगा केवल बैठने से काम नहीं चलेगा क्या बैठने से काम नहीं चलेगा तो ये बात जब राजा को समझ में आ जाता है तो टिकेत उरा सिंह है वो क्या करता है कि शेख भिखारी के, के साथ मिलकर और चुट्टू पालू के क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता है ये सब का उद्देश्य रहता है ना कि चुट्टू पालू के साइड से अंग्रेज लोग घुसेगा रांची साइड में तो हम घुस नहीं, नहीं रहेंगे चुट्टुआ पालुआ पास ना खुट्टा गाड़ के हम खड़ा रहेंगे और यहीं को इधर गढ़वा नलावा में डाल देंगे ठीक है जो रा, रामगढ़ में है ना गढ़ा नला में तो उधर डाल देंगे उधर खईवा में ठीक है तो ये ये सब का प्लान था मतलब चुट्टू पालू से नेतृत्व किसने किया तो टीके तुराओ और शेख भिखारी ने किया और रांची का जो डोरंडा क्षेत्र है वहां से में कौन नेतृत्व कर रहा था तो विश्वनाथ साहदे और उनका जो दीवान था गणपत राय ये नेतृत्व कर रहे थे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए यहां से चार छ आदमी का नाम आ गया जो यहीं से संबंधित है अब देखिए जैसे चुट्टू पालू से नेतृत्व कर रहा था टीके तुरा और शेख भिखारी तो इनको फांसी की सजा चुट्टू पालू में ही दिया गया है इनको दोनों को फांसी की सजा अंग्रेजों ने फिरंगियों ने झंडू बाम वाले लोग ने यहीं पर फांसी की सजा दे दिया कि इनको तो ये शेख भिकारी और टीके तुराव को इसके बाद जो डोरंडा क्षेत्र में अठारह के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मतलब कौन सा शेख भिखा मतलब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे पांडे गणपत राय और एक उनका जो दीवान थे मतलब उनका राजा जो थे मतलब विश्वनाथ साहदे जो डोरंडा साहब से कर रहे थे उनको रांची में जिला स्कूल के सामने कदम के वृक्ष पर लटका कर फांसी की सजा दे दी गई तो इस तरह से यहाँ से छह आदमी का नाम जुड़ता है रांची के क्षेत्र से जो छो का नाम के साथ में हम कहानी सुना दिए वैसे हम अठारह की क्रांति आपको जब पढ़ाएंगे तो इन सभी बातों को एक बार और बताएंगे और बहुत इंटरेस्टेड तरीका से बताएंगे कि मेरे जो शासक थे यहाँ के जो मेरे जनजातीय पावर यहाँ के थे वो उनमें क्या ताकत था वो हम सब बताएंगे आपको और कितना हिम्मत से इन्होंने लड़ा और एक प्रकार से अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया था तो ये सब बताएंगे लेकिन आप थोड़ा सा इतने बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में अठारह की क्रांति रांची का नाम होता है क्योंकि ये केंद्र बिंदु था इसीलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बोलने का और यहाँ से बताने का प्रयास किए हैं आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा देखिए अगर नहीं समझ में आए तो हमको बताइएगा और तरीके से अपना तरीका चेंज करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आगे इतिहास ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस सब यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं बस खाली ये शुरुआत है आप लोग का साथ देखते हैं कैसे मिलता है अगर जितना मिलेगा उसी के अनुसार उस तरह से हम और फास्ट चलेंगे तो चलिए कुल मिलाकर ये इतिहास थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने का प्रयास किए रांची से अब यहाँ इसका ना पर्यटन स्थल देख लेते हैं देखिए पर्यटन जो है ना पर्यटन स्थल देखेंगे देखिए पर्यटन स्थल जो है वो हम देखेंगे यहां पे अब पर्यटन स्थल अगर अच्छे से देखिएगा तो क्या क्या यहाँ पे घूमने वाला जगह है मतलब क्या क्या घूमने वाला जगह है देखिए हम हाँ कुछ कुछ चीज़ अगर छोड़ दिए ना तो वो खुद आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या खुद अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कुछ छूटे तो आप लोग सब एक एक करके जरूर लिखिएगा एक एक कमेंट में लिखेगा जरूर लिखिएगा कुछ अच्छा चीज़ रांची के बारे में अगर रांची जिला पढ़ रहे हैं तो पूरा रांची के बारे में सूसरा अजय उधर कुछ नहीं लिख देना नहीं तो कुछ भी औंगी पोंगी कुछ भर नहीं देना नीचे कमेंट बॉक्स में सब बढ़िया बात भरेगा कि कौन कंपिटिशन एग्जाम में पूछा गया ऐसा नहीं कोई भरेगा कि गिरिडीह से चला उसमें एक लड़की बैठी हुई थी वो क्या हुआ कि एक मतलब न्यूज नहीं लिख देना वहां पर कि गिरिडीह से एक मतलब बस चला उसमें एक लड़की बैठी हुई थी रामगढ़ का एक पांडे बेचारा था ऐसे खड़ा और लाइन मारा उधर गड्ढे में गिर गया ये सब ये सब नहीं लिखना ठीक है भाई साहब ये सब नहीं लिखना क्या ये सब नहीं लिखना तो कहने का मतलब ये नहीं लिखना है मतलब बढ़िया बात लिखना है क्या बढ़िया बात लिखना है मतलब जो मतलब पर्यटन स्थल के रूप में हो वही सब भरना है बहुत अच्छे अच्छे बात जो पूछता है आप लोग सब एक एक बात एकदम रांची के बारे में बढ़िया बढ़िया बात लिखेगा पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा रांची के बारे में कोई लोग पढ़े तो कहे हाँ कुछ लिखा है क्या कुछ लिखा है तो पर्यटन स्थल में क्या क्या घूम सकते हैं सबसे पहले और मांझी चल जाइए और मांझी घूमिए और मांझी में क्या है तो बिरसा जैविक उद्यान है मतलब और मांझी में उसको रख घूमिएगा कब बना है उन्नीस सौ चौवन ईस्वी में बना है अरे किताब जो जो के नासी क्या लिखता पता है नहीं यहाँ सब मतलब किताब में क्या लिखा है सब किताब एक के जैसा लिखा है अरे जनवरी उन्नीस में बना है आप देखिए वहाँ जाकर लिखा हुआ और मांझी में एन एच पर स्थित है ज, जो झारखंड का जय मतलब चिड़ियाघर है एक प्रकार से जो रांची का ये तो बिरसा मुंडा ज, ज, उद्यान है ये तो कहने का मतलब यहाँ पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जनवरी में इसका स्थापना हुआ था उन्नीस सौ चौरानबे इसमें सभ्य किताब वाले इनको पता नहीं क्या कॉपी पेस्ट कर देता कुछ संशोधन नहीं करता क्या कुछ नहीं करता है मतलब शुरू से उन्नीस सौ चौवन लिखते आ रहे हैं तो सब उन्नीस सौ चौवन उन्नीस सौ चौवन उन्नीस सौ चौवन अभी तक भी जब हम ये बता रहे हैं देखिएगा कमेंट बॉक्स में सब लिखेगा सब तो लिखा है उन्नीस अरे यार कुछ अपने से अपडेट करो भाई किताब वाले पका ही छोड़ देते हो सब कुछ तो उन्नीस सौ ईस्वी में जो राष्ट्र मतलब बिरसा मुंडा उद्यान है जो देखने वाला चिड़ियाघर है उसको आप देख सके देख सकते हैं वैसे सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ना वो बोकारो में है ठीक है वो जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर है वहाँ पे बोकारो में वो है सबसे बड़ा लेकिन आप दिमाग में रखिएगा उन्नीस में स्थापित हुआ है और ये ओर मांझी रांची में है देखिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम ये भारत का पूरा पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ खुला है रांची में ही खुला है तो इसको भी दिमाग में रखेंगे फ्रेश वाटर ना एकदम पूरा साफ सुथरा जल रहेगा उसमें एकदम लाल बुल्लू पीला हरियर सब कलर का आपको मछलियाँ मिल जाएगी वहाँ देखते रहिए मजे करते रहिए अपना अपना सब ना सोना बाबू के लेकर जाइएगा क्या वहाँ सोना बाबू के लेकर जाइएगा आप देखते रहिएगा बैठकर ठीक है बहुत अच्छा मतलब देखने का नज़ारा यहाँ पे मिलेगा फ्रेश वाटर एक्वेरियम भी यहीं पर है रांची में आप यहीं पर एक चल जाइए फांसी टोंगरी फांसी टोंगरी किसको कहते पता है फांसी टोंगरी जो है वो कहते हैं रांची का जो पहाड़ है रांची पहाड़ी को फांसी टोंगरी कहते हैं मतलब तो रांची में एक पहाड़ी मंदिर है उसको कहते हैं फांसी टोंगरी वहाँ पर मात्र एक ऐसा मंदिर है जो 1800 मतलब 1947 सौ ईस्वी से वहाँ पर लगातार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है वो मंदिर में एक मात्र मंदिर है उस टोंगरी को कहते हैं फांसी टोंगरी ठीक है फांसी टोंगरी बोलते हैं उसको और उसी को रांची की पहाड़ी मंदिर बोलते हैं उसी को बोलते हैं कभी कभी पूछेगा फांसी टोंगरी किसको कहते हैं तो पहाड़ी मंदिर को ही कहते हैं और ये यहीं पर है बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसको भी लिख लीजिएगा और कहाँ पर घूमने जाना है सब लिखते चलिए नोट डाउन करते रहिए नहीं तो पता है मतलब ना कहने का मतलब अगर नोट डाउन नहीं करेंगे ना भाई साहब तो बता देते हैं दौड़ा दौड़ा के हम मारेंगे पूरी तरीका से कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लॉकडाउन में मिल गया है आप पूरा घर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर बॉयफ्रेंड कर के फुदकते चल रहे क्या फुदकते चल रहे कहने का मतलब अगर बाप को पता चल गया ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोना बाबू ये करके फुदक रहा है ये तो फिर चाइनीज़ माल समझ करके अब पहले ही जैसा बोल रहे हैं चाइनीज़ माल समझ करके धो देगा आपका बाप बता दे रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा समझ कर क्या समझ कर कीजिएगा नहीं तो बहुत लोग कहता है ना नया नया फ्रेंड मिलेगा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ऐसे फ़ोन ले लेगी ससुरी और ऐसे क्या कर रहे हैं तो मतलब खाना खा रहे हैं तो तभी खाना खाएगी सुसरी मतलब फिर पूछेगी अभी कहाँ कर रहे हैं वो कहेगा अब संडास जा रहे हैं तो तुम ही जाओ बेवकूफ़ लड़की थे कहने का मतलब ऐसा होता है मतलब सबको नहीं बोल रहे हैं मतलब कुछ कुछ ऐसा होती है कहने का मतलब बहुत ऐसा देखने को मिलता है तो इस तरह से नहीं करना है क्या इस तरह से नहीं करना है मतलब ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोना बाबू सबको अभी साइड कर दीजिए सबको साइड कर दीजिए रात दिन करके पढ़िए ये सब जो है ना जब नौकरी हो जाएगा तो कुछ एक समय मिलता है क्या एक समय मिलता है आपको मतलब दो महीना तक का बीच में समय देता है ज्वाइनिंग के समय का तो बीच में जो दो महीना का समय मिलता है ना उस समय मतलब बढ़िया से लाइन मारिएगा और एक एक बढ़िया मतलब ब्रांडेड पटा लीजिएगा और उसके बाद फिर जो करना होगा देखिए मूल अधिकार है आपको जो है ना लाइन मारना मूल अधिकार है क्या लाइन मारना आपका मूल अधिकार है देखिए प्राइवेसी का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है तो लाइन मारना मूल अधिकार नहीं होगा क्या लाइन मारना भी मूल अधिकार कैसे नहीं होगा उसमें भी बाबू है बहुत सारा फोटो भेजेगा सोना को सोना बहुत अच्छा बहुत सारा फोटो भेजता है बाबू को वो सब ना प्राइवेसी रखता हो किसी को नहीं बताएगा वही दोनों को खाली पता रहता है क्या वही दोनों को पता रहता है तो जब इतना प्राइवेसी रखता है तो प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल जो है इक्कीस में तो दिया हुआ है कि यह मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कही है तो जब प्राइवेसी का अधिकार मूल अधिकार है तो आपको भी लाइन मारना मूल अधिकार है क्योंकि उसमें भी सब प्राइवेटे रखता है लोग किसी को थोड़ी बताता है कि हम हमारा वो मतलब जो बॉयफ्रेंड है ओकरा फसेले हैं एकरा फसेले हैं ये तब थोड़ी बताता है तो कहने का मतलब वो भी मूल अधिकार है तो कुल मिलाकर नौकरी हो जाने के बाद आप मतलब देख लीजिए ना बहुत अच्छा सा एक ब्रांडेड देख कर फँसा कर और उसके बाद लाइन मारिए अच्छे तरीका खूब बढ़िया तरीका से लेकिन फिलहाल अभी नहीं क्या फिलहाल अभी नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं सिलेक्शन नहीं तब तक नहीं मतलब थोड़ा सब्र कीजिए क्या थोड़ा सब्र कीजिए मिलेगा जब जबरदस्त टेंशन मत लीजिए ठीक है तो पर्यटन स्थल में अभी हम दो ही बात बताएं इसके बाद हम आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और चलते हैं आप यहाँ पर स्टेडियम जे जे एस सी स्टेडियम भी जा सकते हैं जे एस सी स्टेडियम जो है 2013 हजार में बना था और जो जे स्टेडियम है ना दो मतलब धुरवा में बना ही यह स्टेडियम यहाँ पर इंग्लैंड और भारत के साथ सबसे पहले मैच खेला गया था इंग्लैंड और भारत सबसे पहले मैच खेला था तो इसमें भारत जीता था एक दो बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि जेएससी स्टेडियम जो है उसमें सबसे पहला जो मैच खेला गया था वो तो किसके किसके बीच खेला गया था तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था और उसमें जीता कौन था तो उसमें भारत जीता था ठीक है तो ये भी दिमाग में रखिएगा घूमने वाला जगह घूम सकते हैं 2013 में बना था यहाँ पर एक एयरपोर्ट है वो घूम सकते हैं मतलब ये जो है ना झारखंड का पहला एयरपोर्ट इसको बोला जाता है कब बना था तो ये 1941 सौ ईस्वी में बना था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसमें खादी मॉल खुला है खादी मॉल खुलने का मतलब समझ रहे हैं खादी मॉल मॉल खुलने का मतलब है कि एयरपोर्ट के अंदर में खादी मॉल पहला खुला है कहाँ पे ये रांची एयरपोर्ट में और कब बना था रांची एयरपोर्ट 1941 ईस्वी में ये बना था ठीक है रांची एयरपोर्ट तो इसको भी दिमाग में रखिएगा यहाँ भी आप घूम सकते हैं बहुत अच्छा मतलब घूमने का प्लेस है घूम सकते हैं अब देखिएगा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन पार्क भी मिलेगा पार्क में दिमाग में रखेंगे मतलब ऑक्सीजन पार्क मिलेगा मतलब एक सिंधुकानू पार्क भी है यहाँ पे घूमने वाला ठीक है वैसे एक दुमका में भी है लेकिन यहाँ पर भी है सिंधु कानू पार्क है बिरसा मुंडा पार्क भी मिलेगा यहाँ घूमने के लिए ऑक्सीजन पार्क भी यहाँ पे रांची में मिलेगा बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए सम्राट अशोक पार्क मिलेगा यहाँ पर घूमने के लिए वहाँ पर जाके घूमिए फिर आपको टाइगर हिल मिलेगा मतलब काके डैम के आसपास में टाइगर हिल मिलेगा तो उस पर जाके घूम सकते हैं अब कांके का बात आया तो काके जो है पागलखाना की स्थापना कब हुआ था पागलखाना बोल रहे हैं मतलब उन्नीस सौ अट्ठारह ईस्वी में कांके पागलखाना की स्थापना हुआ था इसको भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि मतलब ये पूरा झारखंड बिहार का एक बहुत बड़ा पागलखाना है जहाँ पर मतलब पागलों का ट्रीटमेंट किया जाता है बाकी इसका नाम डिटेल से आप बता दीजिएगा ठीक है क्या तो उन्नीस सौ ये कितना में अठारह में बना था यहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं ठीक है और बहुत अच्छा से घूम सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब कुछ यहाँ पे और जैसे जैसे जो चीज़ आता है ना हम लिखते भी चलेंगे आप लोग क्या करेंगे ना वो लिखते भी चलिएगा अब कुछ शिक्षण संस्थान भी घूमने वाला जगह है तो उसके साथ शिक्षण संस्थान भी खत्म कर देंगे फिर नदी के साथ उसका जलप्रपात भी क्योंकि इसको जलप्रपातों का अगर शहर बोलते हैं तो क्यों कहते हैं उसमें बता देंगे ठीक है तो कहने का मतलब अब जैसे कुछ शिक्षण संस्थान में अगर बात करें तो कुछ शिक्षण संस्थान में जैसे सबसे पहले रांची जो विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय ये कब बना था उन्नीस सौ में उन्नीस सौ में, में रांची विश्वविद्यालय बना था अब इससे देखिए कितना रिलेटेड बात है वो दिमाग 1960 में रखेगा उन्नीस में रांची विश्वविद्यालय बना उसके बाद क्या हुआ कि रांची विश्वविद्यालय से कट कर क्या रांची विश्वविद्यालय से कट करके एक विनोवा भाबे बना बिनोवा भावे विश्वविद्यालय उन्नीस में बना ठीक है ये मतलब बिनोवा भावे विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय कब बना तो ये उन्नीस सौ ईस्वी में बना था और इसी से कट कर एक है नीलांबर पीताम्बर और पीताम्बर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कब बना ये आपका उन्नीस ये सॉरी मतलब 2009 में बना 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ बना पलामू में बना ये पलामू में बना इसी से कट कर रांची से कट करके और रांची से एक और कट के कोल्हान विश्वविद्यालय तो ये कोल्हान विश्वविद्यालय कब बना तो ये उन्नीस मतलब उन्नीस नहीं मतलब 2009 में बना तो 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 में मतलब नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय ये दो और एक उन्नीस सौ में बिनोवा भावे विश्वविद्यालय ये रांची विश्वविद्यालय से कट के बना और बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक और 2009 में बना था इसको भी साथ में लिख लीजिएगा मतलब ब्रॉम्बे में बना था और केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय है ब्रॉम्बे में वो कब बना था उन्नीस मतलब दो में बना था तो दो में दो बना है मतलब एक तो बना है तीन बना है कोल्हान नीलांबर पीताम्बर पलामू कोल्हान मतलब चाहे मतलब आपका यहाँ पे कोल्हान विश्वविद्यालय बना है नीचे में ठीक है और यहाँ पर 2009 में एक ब्रॉम्बे में कौन सा विश्वविद्यालय बना तो ये विश्वविद्यालय बना आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्रोंबे में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इस तरह से ये बातों को थोड़ा विश्वविद्यालय वाला ध्यान में रखिएगा और कृषि विश्वविद्यालय पूछे ना कृषि विश्वविद्यालय अगर पूछे तो कब बना था 1900 मतलब 1981 में कृषि विश्वविद्यालय कब बना था तो रांची कृषि विश्वविद्यालय 1900 मतलब इक्यासी इसवे में बना था वैसे शिक्षण संस्थान पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे लेकिन ये रांची में है तो इसको भी दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखिए अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा देखिए सारा डेट एकदम दिमाग में अच्छे से रखिएगा क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा जो जो क्वेश्चन पूछता है वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं बस आप लोग चीज़ों को समझिए देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा और बहुत अच्छा आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें इसमें कोई डाउट नहीं देखिए अब यहाँ पे बात आता है कि जो रांची वाला क्षेत्र है और क्या हुआ देखिए आप सबसे पहले 1955 ईस्वी में आ जाइए एक 1955 ईस्वी में यहाँ पर एक बी आई मतलब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ एक तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेसरा में है वो रांची में ये बना था उन्नीस में तो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और एक है हाँ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी बी है लेकिन वो जो है ना वो धनबाद में बना था दिमाग में रखेंगे उन्नीस ईस्वी में ये धनबाद में बी बना था ये सिंदरी वाला क्षेत्र में है बी और ये जो है धनबाद में है धनबाद वाला बो, बोलेगा तो इसका फुल फॉर्म में होता है बिरसा और ये होता है बिरला बिरला दोनों में ही अंतर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा ये 1955 में बना है और ये कहाँ बना है तो ये रांची में बना है और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्नीस मतलब उनचास में बना था और ये कहाँ है धनबाद में है सिंदरी में लेकिन इसका पहले का नाम जो है ना वो बिहार इंस्टीट्यूट था बिहार इंस्टीट्यूट था अब बिहार इंस्टीट्यूट था तो जब झारखंड अलग हो गया दो ईस्वी में तो क्या किया ना कि इसको हटाकर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था ब, 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 मतलब आपका जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था उसको हटाकर क्या कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया इसीलिए बहुत लोग जो मतलब तो ओवर स्मार्ट बनता है ना वो क्या सोचता है कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ होगा रांची कहा में होगा कहाँ होगा रांची में होगा गए बेस खड्डे में ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरी तरीका से उसका बर्बाद हो जाएगा एक नंबर तो इसको दिमाग में रखना है कभी भी क्वेश्चन पूछे कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो ये आपका धनबाद में उन्नीस में स्थापना हुआ था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम था और अभी वाला जो है ना 1955 में बना है वो बिरला इंस्टीट्यूट है और ये जो है रांची में तो फर्क हम बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैसलुस्कीगंज इसके पहले भी बताए थे कि मैसलुस्कीगंज कहाँ पर है बहुत सारा भाई लोग बोल रहे कि पलामू में अरे ससुर के नाती बढ़िया से पढ़िए ना बड़े भाई तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा थोड़ी है कहने का मतलब वहाँ लेसलीगंज है ये मैसलुस्कीगंज है लेसली पलामू को कहते हैं लेकिन मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में रांची से साइट मतलब रांची का मुख्य केंद्र बिंदु से साठ किलोमीटर दूर में एक मतलब गाँव के अंदर बसा शहर है वो वहाँ पर ना मतलब जैसे कि लड़का लड़की जो आपस में एक दूसरे को फंसा के शादी कर लिया एक अंग्रेज़ एक भारतीय एक अंग्रेज़ एक भारतीय चाहे लड़का चाहे लड़की हो अब उसने आपस में फंसा कर शादी कर लिया माँ बाप निकाल दिया अगर उस सबको तो कहाँ जाएगा भाई कहाँ जाएगा बताइए तो वो सब क्या किया ना एक अलग गाँवें घर बसा लिया क्या एक अलग, अलग गाँवें घर बसा लिया और वो उसमें जो है उस सब प्रोडक्ट हुआ मतलब उसका जो बच्चा हुआ तो वो सब मतलब अंग्रेज़ टाइप का हुआ तो आप रांची से साठ किलोमीटर दूर वो सब रहता है एक अपना गाँव बसा लिया है उसी में रहता है

हमको लगता है इंग्लैंड आ गए क्या इंग्लैंड आ गए ऐसा फील लगेगा आपको तो कुल मिलाकर मतलब बहुत अच्छा जगह है घूमने ज़रूर जाइएगा अगर जाइएगा तो मैसलुस्कीगंज भी कहाँ है तो रांची में ही तो देखिए जो भी बात आते जाता है ना वो सब बुलेट फॉर्म में लिखा कीजिए क्या बुलेट फॉर्म में लिखा कीजिए कुछ भी बोल रहे हैं तो सब जो पूछा हुआ है वही बता रहे हैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं वो थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात बता देते हैं कि जिसमें आप लोग को थोड़ा कुछ एनर्जेटिकल फील हो देखिए ये हो गया उन्नीस सौ मतलब एक 1955 का कहानी अब आ जाते हैं मतलब एक इंपॉर्टेंट बात और हम यहां पे कर लेते हैं उन्नीस सौ ईस्वी में 1925 में कभी कहीं 1924 में लिखेगा तो यहां पर जो लाह अनुसंधान केंद्र वो रांची में ही ये लाह अनुसंधान केंद्र कब बना था 1925 में अगर न रहे ऑप्शन तो 1924 मारेंगे क्योंकि बहुत जगह 1924 भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं 1925 भी लिख दिया है तो लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो क्या है तो ये मतलब यहाँ पे लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची में ही है इसको लाह क्या होता है पता है ना चूड़ी में जो मतलब ऊपर में जो नकाशी किया होता है उसको साटने उठने के लिए जो गोंद का प्रयोग किया जाता है वो लाह होता है और ये भारत में सबसे ज्यादा यहीं से उत्पादन होता है मतलब इसीलिए इसका रिसर्च सेंटर जो है यहीं पर है ठीक है उसके बाद जनजातीय शोध संस्थान ये जो है ना वो यहीं पर है कब बना था जनजातीय शोध संस्थान जो है एसटी शोध संस्थान जो है वो कहां पर है तो ये आपका है मतलब यहीं पर अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है तो वो रांची में ही है कब बना था तो उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में बना था तो उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में जनजातीय संस्थान बना था इसको भी दिमाग में रखिएगा ठीक है इसके बाद कुष्ठ तो रोग अनुसंधान संस्थान भी है वो यहीं पर है रांची में ही है इसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ठीक है उसके बाद 2010 हजार ईस्वी में 2010 हजार ईस्वी में आई आई एम इंडियन आई आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक एकेडमी यहाँ खुला मतलब यहाँ पर एक आई आई एम खुला गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये मतलब स्कूल खुला गया और ये पूरा भारत का आठवां मैनेजमेंट स्कूल है कलकत्ता से ऑपरेट होता है संचालित होता है तो इसको दिमाग में रखेगा और थोड़ा सा रांची विश्वविद्यालय से याद रखेगा ना रांची विश्वविद्यालय से तो ये कटा फटा लेकिन रांची किससे कटा था छट्टी जे पी जब हुआ था तो उसमें एक पूछा था रांची जो है वो किससे कटा था तो बिहार विश्वविद्यालय से कटा था रांची लेकिन बिहार विश्वविद्यालय का अगर नाम दे देता तो, तो लोग फंस जाता बिहार विश्वविद्यालय में अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय में अंबेडकर विश्वविद्यालय मतलब बिहार विश्वविद्यालय का नाम है अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो उसी से कटा था कौन रांची और रांची से फिर ये सब कट के बना तो याद रखिएगा यहाँ से भी और ये जो मैनेजमेंट स्कूल 2010 में बना है वो किसके किससे चलता है तो वो आपका यहाँ पे किससे चलता है तो ये आपका कलकत्ता एकेडमी के द्वारा ये संचालित होता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा जाता है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड का न्यायिक अकादमी ठीक है झारखंड का न्यायिक अकादमी जो है वो कब बना था तो झारखंड का जो न्यायिक अकादमी है कहाँ लिखे ठीक है तो देखिए झारखंड का जो न्यायिक अकादमी है झारखंड का न्यायिक अकादमी है वो कब बना था तो देखिए झारखंड का न्यायिक अकादमी है वो 2002 में बना था झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 में बना था तो इसको भी दिमाग में रखना है झारखंड न्यायिक अकादमी 2002 इसमें में बना था इसको भी दिमाग में रखेंगे देखिए जितना बात बोलते जाते हैं ना सब लिखते जाइए और दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए क्या थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर कि जिसमें आपका दिमाग अच्छा से काम करना चालू करें कहीं पर कोई एक अंग उंग अगर भसक गया होगा तो वो सीधा हो जाएगा दोस्त आप एक बार थोड़ा उस पर जोर दीजिए क्या एक बार थोड़ा उस पर जोर दीजिए उसके बाद आपका सब काम तमाम हो जाएगा बहुत अच्छा से चीज़ें समझ में आ जाएंगी बस आप थोड़ा उस पर जोर दीजिए क्या थोड़ा उस पर जोर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीका से ठीक है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एक है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण 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 विकास संस्थान जो है ये संस्थान कब बना था 1905 में बना था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कब बना था 1905 में बना था इसको भी दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1905 में बना था अब यहाँ पे 1955 में फिर एक बात दिमाग अब यहाँ पर देखेंगे 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में बना था जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो बना था 1955 में बना था और ये रांची में बना था लेकिन जेवियर लेबर रिसर्च सेंटर पूछे ना तो ये उन्नीस में बना था जेवियर लेबर रिसर्च सेंटर जो है वो बना था मतलब उन्नीस में लेकिन ये जमशेदपुर में बना था जेबियर लेबर कहाँ रहता है ज़्यादा काम करता है जहाँ पर उद्योग धंधा होता है तो उद्योग धंधा कहाँ पे है जमशेदपुर में तो उन्नीस सौ ईस्वी में जेबियर इंस्टीट्यूट जो आपका लेबर के लिए बना था वो कहाँ बना था तो जमशेदपुर में और जेबियर जो सोशल साइंस है इंस्टीट्यूट है वो 1955 में रांची में बना था तो ये दोनों में फर्क है तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है अब यहाँ पर एक बात होता है कि ये क्वेश्चन बन गया यहाँ तक अब हम आगे आते हैं 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट बना था रिम्स जो है वो यहाँ पे बना था रिम्स जो है उसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक विश्वविद्यालय बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है वो 2017 हज़ार ईस्वी में बना है दो मतलब 2017 हज़ार ईस्वी में बना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 हज़ार ईस्वी में बना है और ये जो रांची भिद, महाविद्यालय था उसको अपग्रेड करके किया गया है मतलब रांची जो कॉलेज है ना उसको अपग्रेड करके और उसको बनाया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है वो किसको मतलब ऊपर उठाकर बनाया गया है तो वो रांची जो महाविद्यालय था रांची जो कॉलेज था उसको हटाकर उसी के स्थान पर मतलब अपग्रेड कर दिया गया और रांची विश्वविद्यालय बना दिया गया अब कभी पूछा जाएगा रांची कॉलेज की स्थापना कब हुई वो जो कॉलेज को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहते हैं उसकी स्थापना कब हुआ था अगर गलती से पूछ दे तो याद रखिएगा उन्नीस सौ उन्नीस सौ छब्बीस ईस्वी उन्नीस सौ छब्बीस ईस्वी में स्थापना हुआ था उन्नीस ईस्वी में रांची कॉलेज की स्थापना हुआ था उसी कॉलेज को अपग्रेड करके उसी कॉलेज को मतलब अपग्रेड करके और रांची में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन जितना पूछेगा बहुत सारा डेट हम बताए होंगे सबको एक बार थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा दिमाग में अपना लाने की कोशिश कीजिएगा आपको सारे चीजें दिमाग में आ जाएंगी ठीक है तो तसर अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है रांची में तो उसको भी दिमाग में यहाँ पर रख सकते हैं आगे आ जाते हैं तो आगे आने के बाद देख लेते हैं अब और क्या है यहाँ पे जो बहुत अच्छा आपको दे सकता है नंबर जहाँ से क्वेश्चन पूछता है देखिए जय एगारी बिगारी चीज़ बड़ी मिल जाएगा लेकिन उस सबको जो नहीं पूछता उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा कुछ नहीं ठीक है मुरावादी मैदान सब जानता है प्रभातारा मैदान सब जानता है तो जाके वहीं तो बैठ के सब आंदोलन करते रहता है तो सब पता बा बापू वाटिका इतना फेमस स्थान है ये सब ये सब तो, तो आंदोलनकारी लोग रात दिन करके भरा रहता है क्या करें मतलब झारखंड में पढ़ना भी है लड़ना भी है नहीं लड़ेंगे नहीं तो फिर पढ़े होंगे हो, पढ़े हुए हों कोई काम का नहीं है तो लड़ना भी पढ़ना भी ये सब अधिकार है लेकिन पता नहीं आप देखिए तो मेरे कहने का मतलब ये सारा चीज़ बात हो गया अब उन्नीस ईस्वी में उन्नीस ईस्वी में एच ई सी की स्थापना हुआ था एच ई सी की स्थापना उन्नीस ईस्वी में हुआ था ठीक है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो ये है ये आधा रांची समझिए यही है मतलब लगभग जो है वो सत्रह वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ एच ई सी कारखानों का कारखाना कारखानों के अंदर कारखाना इसी को कहते हैं ठीक है एचईसी को और ये उन्नीस सौ अंठावन में ईस्वी में बना था और उसके बाद ये मतलब हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है उद्योग पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे कि चकोसलाविया के क्षेत्र से कौन आता है फिर मतलब रूस के सहयोग से कौन सा प्लांट काम कर रहा है ठीक है वो सब हम बताएंगे डिटेल से तो ये अभी दिमाग में रखिए कि मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है तो आपका रांची के ये रांची में ही पड़ता है ठीक है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र में रांची में फैला हुआ है तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा एच ई -E सी ठीक है ये उन्नीस सौ अंठावन में बना था तो ये है बाकी और कुछ दिमाग में आता है इस भी तो हम बताते चलेंगे और जितना भी बात देखिए हम यहाँ पर खड़ा होते तो नॉन स्टॉप चाहते कि एक बार पूरा खत्म ही कर दे तो जितना बात आते जाते आप सब बताते चलते हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिए क्या नोट डाउन करते चलिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा देखिए अब यहाँ जो है मतलब तो घूमने वाला स्थान देखेंगे तो हुंडरू फॉल चल जाइए रांची में हुंडरू फॉल चल जाइए अब रांची में हुंडरू फॉल चल जाइएगा किस नदी पर है तो स्वर्ण रेखा नदी पर है अब नदियों क्लियर हो जाएगा साथ ही साथे में तो देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है ना जो रांची के क्षेत्र से निक मतलब नगरी के क्षेत्र से निकलती है तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात है मतलब रांची में तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है वन फोर थ्री मीटर है ये ऊंचा तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन तो इसको दिमाग में रखेंगे झारखंड का ये बहुत साफ़ सुथरा जलप्रपात है मतलब कभी घूमने का मन करे तो जाइए जो रांची है ना ये रांची राजधानी ये रांची जो राजधानी है इससे जो एयरपोर्टवा पड़ता है ना एयरपोर्टवा से ये साठ किलोमीटर दूर मतलब सॉरी साठ किलोमीटर नहीं चालीस किलोमीटर दूरी पर स्थित है कहने का मतलब ना एक बार हम बहुत पहले गए थे मतलब बचपन में तो एयरपोर्टे पास रोक दिया गाड़ी और वहाँ पर बोकोट रहते पूरा तरीका से तो वोमिटिंग हो रहा था क्योंकि गाड़ी ज़्यादा हम नहीं चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बोकोट रहे तो पूरी तरीका से तो वहीं से एक दादा जा रहे थे बोले क्या दादा तब आज मतलब कितना दूर है यहाँ से हुंडू जल पर पात सब लोग तो कहा था रांचिए राचिए मैस सुर के नाते अभी तो यहीं फसल है तो वो आदमी हमको बोला कि सब्र करो यहाँ से 40 किलोमीटर आज ज़्यादा और वोमिटिंग चालू हो गया मेरा क्या और वोमिटिंग चालू हो गया पूरी तरीक़ा से 40 किलोमीटर अभी और बैठना था हमको गाड़ी में अनगाड़ा प्रखंड पड़ता है मतलब अठारह प्रखंड देखे रांची में उसमें से अनगाड़ा प्रखंड पड़ता है अनगाड़ा प्रखंड जो है ना वही अनगाड़ा प्रखंड में मतलब पड़ता है हुंडरू जलप्रपात ठीक है तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कौन सा प्रखंड में है तो अनगारा प्रखंड में है 40 किलोमीटर रांची से इसकी दूरी भी है मतलब एयरपोर्ट से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा इसी तरह से अगर झरनों का शहर कहते हैं इसका क्यों कहते हैं झरनों का शहर इसको क्यों कहते हैं क्योंकि जो झरना है यहाँ बहुत अधिक है देखिए जैसे हुंडू जलप्रपात हो गया किस पर स्वर्णरेखा नदी पर उसी तरह से यहाँ पर काची नदी पर है दसम जलप्रपात तो दसम जलप्रपात भी घूमने वाला है रांची में ही है राढ़ू नदी पर जो है वो जोना जलप्रपात है वो भी घूमने वाला जलप्रपात है गौतम धारा उसी को बोलते हैं जोना जलप्रपात को तो ये राढ़ू नदी पर है यहीं पर है उसको भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं पर्यटन स्थल की दृष्टि से सोनवा जलप्रपात है पंगूरा जलप्रपात है ये सब भी घूम सकते हैं बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए और है गैतलसूट बांध में जाके घूम सकते हैं ठीक है धुरवा बांध है देखिए ध्रुआ बांध में सोलर प्लेट सोलर तो प्लांट लगाने वाला था सरकार लेकिन फिर उसके बाद ना गैतल सुध में शिफ्ट कर दिया तो ध्रुआ बांध भी और गेतल सुद्ध बांध भी कहाँ पे है तो रांची में है तो कभी पूछ देता है कि ध्रुआ बांध कहाँ है तो गैतल सुध बांध कहाँ है तो ये तो सब रांची में है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा घर भी आपका है वो रांची में है कहाँ है मछली घर भी है रांची में है तो वो भी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन से बनता है तो कहने का मतलब ये सब जितना चीज़ें बता रहे हैं ना जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है पहाड़ी मंदिर के बारे में तो हम डिटेल बता ही दिए वो भी दिमाग में रखिएगा ठीक है टैगोर हिल के बारे में हमने बता ही दिया उसको भी दिमाग में रखना है ऑक्सीजन पार्क के बारे में बता ही दिए वो भी दिमाग में रखना है तो ये सब जो है राजभवन विधानसभा तो सब देखिए विधानसभा है ना यहाँ पर दिमाग में रखिएगा विधानसभा है बहुत बढ़िया विधानसभा है मतलब जो पूरी तरीका से एकदम डिजिटलाइज विधानसभा बना है झारखंड का नया विधानसभा मतलब ना एक सौ बैराज एक सौ बासठ सीटेड है एक सौ बासठ सीटेड है देखिए 2026 हज़ार जो आएगा ना उसके बाद सीटें बढ़ेंगी क्या सठ सीटें सीटें बढ़ेंगी विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ेगी इसीलिए लोकसभा का भी भवन तैयार हो रहा है मतलब विधानसभा भी तैयार हो रहा है बड़ा सा पता है टाटा कंपनी बना रही है उसको दिल्ली में तो विधानसभा के भी भवन तैयार हो रहा है उसका भी सीट बढ़ा कर तैयार हो रहा है क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब प्रतिनिधि को दिया जाता है प्रतिनिधि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आते हैं तो जनसंख्या बढ़ गया तो प्रतिनिधि बढ़ना चाहिए तो 2026 के बाद बढ़ेगा तो कहने का मतलब है कि झारखंड क्या क्या छलाकी से पहले मतलब इसका कितना सीट है इक्यासी एंग्लो इंडियन हटा दीजिए क्या एंग्लो इंडियन हटा दीजिए एंग्लो इंडियन का अब कहीं कुछ अस्तित्व रहा ही नहीं क्योंकि आपको हम बताए हैं कि जो एक संविधान संशोधन एस जो है एस टी का जो आरक्षण है मतलब एस का आरक्षण जो होता है एस टी एस आरक्षण है उसको 10 सालों तक बढ़ा दिया है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया विधानसभा से जो एक चुना जाता था उसको भी और मतलब लोकसभा में दो चुना जाता था उसको भी हटा दिया गया है अब तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सीटों की संख्या कितना विधानसभा का इक्यासी अब जब इक्यासी सीट है तो इक्यासी सीट को डबल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाता है मतलब एक सौ बासठ एक सौ बासठ सीटेड विधानसभा है फुली डिजिटल बनाया है भाई लोग एकदम पूरा मतलब कंप्यूटर मतलब लैपटॉप उपटॉप सब सिस्टम उस्टम पर लगा के बनाया है बढ़िया से अब पता चलेगा कि यहाँ पर जितना विधायक बैठेगा सब विधायक मतलब सब का नहीं बोल रहे लेकिन कुछ तो विधायक एकदम ठेका, अब ठेपा मार होगा ढोल फिल्म देखें आप लोग ढोल फिल्म में देखे होंगे मतलब जब एक बार कंपनी का चेयरमैन राजपाल यादव को बना दिया जाता है राजपाल यादव को बना दिया जाता है तो लैपटोपा को ले लेता है ऐसे सामने में और लैपटोपा को सामने में ले लेने के बाद और उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा बाल झाड़ते रहता है मतलब लैपटॉप में देख कर लैपटोपा को बुता देता है मतलब मिझा देता है समझे और मिंझा मिझाने के बाद लैपटॉप में कुछ नहीं दिखता क्या कुछ नहीं दिखता तो उस पर चेहरा दिख जाएगा तो उसको पूरा संभालते रहता है उसका सी ओ आता है साइन करवाने के लिए तो उससे लड़ जाता है तो उसी तरह से मेरे जो विधानसभा में बैठेंगे ना भाई जिसको लैपटॉप चलाने नहीं आएगा वो बैठ के क्या करेगा पूरा बाल उल एकदम पूरा सजाएगा विधानसभा में मेरे विधायक लोग मतलब सब को नहीं बोल रहे लेकिन कुछ विधायक तो ऐसे हैं कि जिनको लैपटॉप के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा जनरेशन है क्या है तो क्या करेगा भाई लोग तो वो सब पूरा बैठ अपना बाल जो है पूरा सजाएगा बढ़िया से मतलब उसको अंधेरवा में समझे मतलब उसको टीपेगा तो जल जाएगा फिर तो दिखेगा नहीं चेहरा तो वो जब बुताए रहेगा ना तो उसमें बाल झाड़ेगा कंघी लेके जाएगा क्या कंघी सब लोग लेके जाएगा विधानसभा में पूरी डिजिटल विधानसभा बनाया है मतलब कितना सीटेड है एक सौ बासठ सीटेड विधानसभा है यार मतलब हम भगवान से मनाते झारखंड में पढ़े लिखे लोग बने विधायक बने सब कुछ बने झारखंड का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधरे हम ऐसा उम्मीद करते हैं पता नहीं कब सुधरेगा मतलब आप लोग सुधारिए सब मिलकर समझे तो कुल मिलाकर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया है विधानसभा भी देखने वाला भवन है ये भी मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे देखिए ऐसे ही मजे के लिए बोल रहे हैं सीरियसली नहीं बोल रहे हैं मतलब जो बात है वो हम ऐसे बता रहे हैं थोड़ा दिमाग में इसको रखिएगा तो एक सौ बासठ सीटेड विधानसभा है ये भी देखने लायक है ये भी आप देख सकते हैं और चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर और जगह पर मंदिर जाएंगे तो एक मतलब मतलब आपका यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है मतलब सूर्य मंदिर भी है यहाँ पे रांची में ही सूर्य मंदिर है जगन्नाथ मंदिर भी है रांची में तो उसको भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मतलब देवड़ी का मंदिर क्योंकि मेरे जो भैया है ना मतलब महेंद्र सिंह धोनी जो मेरे बड़े भैया हैं जिनके चलते झारखंड को सब लोग जानता है विदेश में या कहीं पर भी झारखंड को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का स्थान है नहीं तो झारखंड तो सब चीज़ नीचे नीचवा से आता है शिक्षा में नीचे से टॉप नीचे से देखो नीचे से कहाँ है मतलब फिर पोविटी इंडेक्स में नीचे ही से चेक करो कहाँ पर है फिर उसके बाद और मतलब और इंडेक्स में जो है वो सब में नीचे ही से मिलेगा मतलब काउंट करने से ऊपर से तो कुछ आता ही नहीं ई ऊपर से अगर एक आधो स्थान रखे हुए तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ी के बदौलत ही झारखंड का नाम कुछ रोशन हो पाया नहीं तो यहाँ के मंत्री नेता और ये सब से अगर नाम रोशन हो जाए तो मतलब तो झारखंड में चार चांद लग जाता ठीक है तो मेरे कहने का मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि मतलब जो देवड़ी जो है वो देवड़ी है वो आस्था का केंद्र बिंदु है महेंद्र सिंह धोनी के लिए अब महेंद्र सिंह जो धोनी है वो वहाँ पे पूजा करने जाते हैं तो उनका स्थान है ये रांची में बहुत बढ़िया आस्था का केंद्र बिंदु है ये सोलह मुंजे मूर्तियां हैं माँ दुर्गा का सोलह मुंजे मूर्तियां मतलब सोलह हाथ है माँ का मतलब आठ एक साइड आठ एक साइड तो सोलह है और यहां पर एक मात्र मंदिर है जो पूरा तरह से मतलब यहां पाहन पूजा करवाते हैं क्या पाहन पूजा करवाते हैं एक दिन जो मंगलवार होता है ठीक है उस दिन शायद मतलब वहां पे पंडित पूजा कराते हैं बाकी तो सब दिन यहाँ पहाड़ पूजा कराता है लेकिन ज़्यादातर मंदिर में आपको पंडित मिल जाएगा पूजा कराते हुए लेकिन यहाँ पहाड़ पूजा करवाता है ये भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि कहीं क्वेश्चन पूछ ना दे ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो कौन सा मंदिर हो गया तो आपका एक जगन्नाथ मंदिर हो गया एक आपका मतलब जो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो गया देवड़ी का मंदिर हो गया एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया सूर्य मंदिर हो गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पहाड़ी मंदिर तो पहले ही बता चुके हैं तो ये सब चीज़ को दिमाग में रखिएगा कंपाइल करके तो इम्पॉर्टेंट रहेगा नदियाँ भी हम बता चुके हैं नदियाँ कौन सा कौन सा हो गया तो नदियाँ आपका हो गया मतलब एक कांची नदी हो गया फिर उसके बाद एक स्वर्ण रेखा नदी हो गया राड़ू नदी हो गया मतलब बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदी जो है यही है उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदी है उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल जो नदी है ना वो रांची के क्षेत्र से ही निकलती उत्तरी कोयल जो है रांची क्षेत्र से निकल कर अपराह में चल जाती है अपलामू साइड से जाते हुए और ये सोन नदी में मिलती है बीपीएससी वाला ना क्वेश्चन पूछता है कि सोन मतलब उत्तरी कोयल नदी कहाँ मिलती है तो बहुत भाई लोग मतलब गंगा में मार देते हैं क्या गंगा में मार देते हैं अरे गंगा में नहीं भाई उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलती है और सोनवा नदियाँ है ना वो ऊपरहा में जाकर आ गंगा नदी में मिल जाती है क्या सोन नदी फिर जाकर उपराहा में चढ़ जाती है और वो गंगा में मिल जाती है तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा और दक्षिणी कोयल तो नीचे की ओर जाती है दक्षिणी क्यूल जो है वो नीचे की ओर जाती है और नीचे की ओर बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है तो ये आपका हो गया मतलब नदियाँ जो थोड़ा सा हम बता दिए अब यहाँ पर एक दो और उद्योग देते हैं देखते हैं जैसे उद्योग उद्योग में जैसे एक पूछता है ए सी सी ए सी सी सीमेंट जो खलारी में है तो ये भी ए सी सी सीमेंट है यहीं पर है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी दिमाग में रखेंगे एक आपका जो मतलब देखेंगे तो एलुमिनियम शोध संस्थान जो है वो यहीं पर है उन्नीस अर्त, मतलब अड़तीस में स्थापना हुआ था वो भी यहीं पर है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे और ये जो मिनरल्स के दृष्टि से देखेंगे ना तो मिनरल्स के दृष्टि से झारखंड को हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा मिनरल्स मतलब होता है खनिज जो होता है उसके दृष्टि से यहाँ पे क्या मिलता है तो यहाँ पर जो मिलता है वो हम थोड़ा बता रहे हैं झारखंड के मैप से ही देखिए सब चीज़ों को बहुत अच्छा से समझिएगा समझे और समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको एक बार दो बार रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए ठीक है क्योंकि रिमाइंड आप अगर नहीं करते हैं ना तो आपको फिर से वो नहीं दिमाग में रहेगा देखिए भाई साहब क्या होता है अगर अच्छे से देखिएगा ना तो मतलब आपको हम बताते हैं एक कहानी कैसे आप याद करिएगा वो थोड़ा एक मिनट बता देंगे क्योंकि हो सकता है कि रिमाइंड करने की सिस्टम आपका ठीक हो जाए मजबूत हो जाए उससे एक बात से देखिए हम इसलिए आप लोग को इस तरह से बताते हैं कोशिश करते हैं कि एकदम समझ समझ के चीज़ों को रखें इसके पीछे क्या कारण है वो देखिए जैसे एक है थ्री मिनट पॉलिसी देखिए हम ना मतलब कभी बहुत पहले पढ़े थे थ्री मिनट पॉलिसी का मतलब समझते हैं थ्री मिनट पॉलिसी मतलब तीन मिनट में जो कैसे याद किया जाए चीज़ों को वो पॉलिसी होता है तो देखिए इसमें क्या होता है हम पहले सोचते थे कि बहुत सारा चीज़ है दिमाग तो एक गो है ठीक है मतलब हम लोग का दिमाग जो है वो चौदह सौ ग्राम का है लड़की लोग का थोड़ा कम होता है क्या लड़की लोग का थोड़ा कम होता है साढ़े तेरह सौ ग्राम का होता है सबका इसीलिए वो सब बड़ी जल्दी चिड़चिड़ा देती है अब दु, मतलब दूसरा लड़की लोग बोलेगी ना वो लड़का वह सही है तू कर साथ भाग, भाग जाओ तो वो कर साथ भाग जाएगी ठीक है तो वो सबको मतलब थोड़ा रहता है क्या थोड़ा वैसे शरीर वेट के अकॉर्डिंग रहता है लेकिन पता नहीं थोड़ा कम ही रहता है ठीक है तो कहने का मतलब ये जो दिमाग होता है ना साढ़े तेरह सौ ग्राम का हम लोग का चौदह सौ ग्राम का होता है तो वो एक ही को दिमाग है अब एक ही को दिमाग में देखिएगा कि आज से पाँच साल पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर कुछ बोली ठीक है वो एकदम हु बहू ऐ ही याद है कि अरे ऐसे ससुरी बोली थी ठीक है तो वो हु बहू याद है लेकिन आज हम पढ़ाएं या आज हम बताएँ वो कल गए तो ऐसा कैसे हो सकता है एक दिमाग दो तरह का काम कैसे कर सकता है आखिर एक ही तो दिमाग है दो तरह का काम कैसे कर सकता है तो इसके पीछे साफ मतलब कारण है कि एक बात भूल जाते हैं और एक बात को रखता है इसका मतलब बात को कैप्चर करने का जरिया तरीका जो होगा वो अलग अलग होगा इसीलिए एक दिमाग अलग अलग तरीक़ा से चीज़ों को रखता है अब जैसे हम कोई चीज़ को दिमाग में डालें अब कोई चीज़ को अगर हम दिमाग में डालें अब वो दिमाग में कितना देर रहेगा वो डिपेंड करता है कैसे ऑब्जॉर्व आप किए हैं उसको जैसे मान लेते हैं कि अभी पढ़ रहे हैं आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं कि कन मतलब आज जाना है चौबिन चाट खाने के जाना है सुंदरी मार्केट जाना है लिपस्टिक पाउडर उडर लेने जाना है और औरकोम पोस्कोम का का होता है वो सब लेने जाना है तो वो हो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं यो हो पढ़ रहे हैं कुछ नहीं होगा दिमाग में खिचड़ी पलोस बन जाएगा मतलब दिमाग को समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज़ को स्टोर करें कौन सा चीज़ को बाहर निकालें तो ऐसा हो जाता है मतलब कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो उस समय एक ही चीज़ कीजिए पढ़ने के समय खास करके एक ही चीज़ कीजिए तो इससे क्या होगा कि दिमाग बैलेंस रहेगा कि हमको करना क्या है नहीं तो पता चलेगा कि उसमें तीन चार तरह का डाटा जाएगा इस कंफ्यूजिया जाएगा किसको सेकेंडरी मेमोरिया में, में भेजें प्राइमरी मेमोरिया आगे में होता है सेकेंडरी मेमोरिया पिछवा में होता है तो पिछवा में किसको बोले तो भेजे तो कंफ्यूज हो जाएगा तो कहने का मतलब इसीलिए एक चीज को रखिए अब मान लेते हैं कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ा कोई बॉयफ्रेंड को अगर छोड़ा अगर ये छोड़ दिया वो सब कुछ बोला होगा दिन भर उसी के बारे में सोचते रहता होगा कोई कुछ बोलता रहेगा माँ बाप भी बोलेगा तो माँ बाप कहे चुप रहो तुम आग देने वाले काम करती एकदम चुप रहो कुछ मत बोलना इस समय माँ बाप को भी डांट देता है लोग तो कहने का मतलब इसलिए डांटता है क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड छोड़ दी तो उसके याद में उसको बॉयफ्रेंड छोड़ दिया उसके आदमी खाली उसी को बतिया सोच रहा दिन भर काहे छोड़ दिए हमारा साथ काहे छोड़ दिए हमारा मतलब काहे नहीं मेरे साथ रही ऐसे सोचते रहता है अब दिन भर रात भर उसके बारे में सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा तो दिमाग में तो रहेगा ना सेकेंडरी मेमोरियम जाके स्टोर हो जाता है तीन मिनट में कोई भी चीज़ अगर आप दिमाग में रखते हैं तो तीन मिनट में जाके सीधे सेकेंड्रिया मेमोरिया में घुस जाता है आगे घूमते घूमते सेकेंड्रिया मेमोरिया में घुस जाता है अब घुस जाता है फिर वो कभी डिलीट नहीं होगा क्या कभी डिलीट नहीं होता है लेकिन तीन मिनट में जो आप घुसा रहे हैं केवल वही चीज होना चाहिए जो जरूरत का चीज़ हो और एक बात हो तभी घुसेगा नहीं तो खिचड़ी पलोस बन के सब बाहर हो जाएगा ठीक है पढ़ रहे हैं उधर कुछ और सोच रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं तो दोनों चीज नहीं होगा क्या दोनों चीज़ नहीं होगा कोई एक चीज़ होगा तो सेकेंडरी मेमोरी में उस तरह से सेफ हो जाएगा और वो चीज़ बाहर नहीं होगा आप बताइए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बतिया अगर दिन रात सोचे होंगे तो तीन मिनट में जो चीज़ सेकेंडरी मेमोरी में, में सेफ हो जाता है वो तो आप जिंदगी भर के लिए सेफ हो गया ना आप फिर उसके बाद सिगरेट उड़ाते रहिए धुआं उड़ाते रहिए दारू बैठ के पीते रहिए शराब पीते रहिए फिर और कुछ कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कुछ भी करते रहिए आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है वो सोचिएगा मेरे पास डिलीट का कोई ऑप्शन भी नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी में टीपे आप फटाक से बाहर हो गया फटाक से बाहर हो गया ऐसा कुछ नहीं है मतलब तो सेकेंडरी मेमोरी में, में गया हुआ चीज़ कभी बाहर नहीं होता है ये एकदम लिख लीजिए आप लोग तो इसीलिए तीन मिनट की पॉलिसी वाला में दिन रात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके फुदकते मत रहिए कुछ कुछ क्या है कि ध्यान रखिए पढ़ने पर भी ये तीन मिनट में नहीं तो खाली वही सब दिमाग में चलेगा इधर कुछ भी नहीं चलेगा क्या इधर नहीं चलेगा तो दिक्कत होगा तो ये हम कहीं पढ़े थे तो ये चीज़ आपको हम बताएं इसीलिए कोशिश करते हैं कि दो तीन मिनट तक एक टॉपिक पर आपको रखें जैसे कि आपको वो चीज़ दिमाग में जाके सटीक बैठ जाए ठीक है और एगारी बेगारी नहीं सोचिए ठीक है फालतू का इधर उधर का नहीं कोरोना परोना नहीं सोचते रहिए बस खाली आराम से घर में रहिए और पढ़ते रहिए ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आपका दिमाग ठीक से काम करे और दिमाग ठीक से काम करेगा तो फिर तो आप आग लगा दीजिएगा जहाँ मन करेगा वहाँ पर चाहे एन हो चाहे आपका जो भी रेलवे हो चाहे सिविल का यू हो जो भी एग्जाम हो या फिर आपको कोई भी पी सी का एग्जाम हो सब में आप आग लगा दीजिएगा ठीक है वो आप पर डिपेंड करता है बस आप लोग एकदम पूरा जोर जोश में पढ़िए ठीक है थीके? तो ये आई होप आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे एक दिमाग में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो उसको भी दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बन जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा श्री लोक प्रशिक्षण संस्थान श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान जो है उन्नीस में बना था और ये जो है ना ये यहाँ पर शिक्षा उसको दिया जाता है मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है जब आप वीडियो डी ओ यहाँ पर बन जाएंगे तब यहाँ पे जाएंगे तो ट्रेनिंग यहीं पर बने होगा और अगर आप डी बनेंगे तो ट्रेनिंग जो आपका पी टी हजारीबाग में पड़ता है तो वहाँ पे होगा 1912 में बना था तो वहाँ पर होता है लेकिन वीडियो बनने के बाद श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान आपको रांची जाना होगा यहाँ पे उन्नीस सौ ईस्वी में ये बना था उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान या तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है उन्नीस सौ तिरसठ ईस्वी में बना था तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान ये दो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट इसको भी दिमाग में रखेंगे अब यहाँ मिनरल्स का बात होता है तो मिनरल्स वाला देख लेते हैं कि मिनरल्स वाला जो है वो कहाँ कहाँ पर बनता है कहाँ कहाँ पर मिनरल्स रांची में क्या मिलता है झारखंड में उसको हम देख लेते हैं जैसे जैसे ये अगर आपका मतलब झारखंड है ये आपका झारखंड है ठीक है अब ये जो झारखंड है अब ये वाला में हम देखेंगे मिनरल्स कहाँ कहाँ बनता है देखिए मिनरल्स वाला ये जो जोन है और ये एक जोन है ये दो जोन है अब ये दोनों जोन में देखिएगा ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना ऊपरा वाला जो क्षेत्र है इसमें जीवाश्म ईंधन मिलता है जिसमें ज़्यादातर कोयला चूना पत्थर पत्थर ठीक है बॉक्साइड ये सब ये वाला एरिया में मिलता है ऊपरहा वाला एरिया में नीचे वाला ना मतलब जिसमें वैसा अयस्क मिलता है मतलब इसमें धातु मिलता है जिसमें जीवाश्म नहीं होता है मतलब इसमें धात्विक अयस्क मिलता है जैसे इसमें मतलब हो गया तांबा हो गया इसमें आपका हो गया लोहा हो गया ये सब यहाँ पर मिलता है नीचवा में ठीक है ये नीचे वाला क्षेत्र में और ये वाला जो क्षेत्र बीचवा में ना इतना बड़ा नहीं है थोड़ा छोटा ही है इतना ही है तो ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मतलब ऑयल क्षेत्र है ये मतलब यहाँ तेल उल का गैस उसका क्षेत्र ये बनता है गैस उसका क्षेत्र थोड़ा बनता है चूना पत्थर भी यहाँ मिलता है चूना पत्थर का भी यहाँ पे पार्ट है कुछ और यहाँ पर जो है रांची वाला जो क्षेत्र है ये इसके जो उपराहा वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पे पिल्ली अवरक मिलता है पीला अवरक देखिए पीला अवरक एक्चुअली में कुछ होता नहीं है जब अवरक जो होता है उसमें नमी रह जाता है ना मतलब पानी का अंश रह जाता है तो पीला हो जाता है क्या पीला हो जाता है तो जब पीला जो है ना अवरक कहाँ मिलता है तो ये रांची के साइड में पीला अवरक मिलता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पीला अवरक का क्षेत्र कहाँ है तो रांची के क्षेत्र में पीला अवरक वाला पड़ता है उसमें नमी थोड़ा रहता है तो ये पीला हो जाता है तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इधर धात्विक अयश का मिलता है आगे बताएंगे कि ये ज्यादा ग्रुप है और ये ज्यादा ग्रुप में ही पूरा धारवाड़ क्रम का चट्टान है ये इसीलिए यहाँ अयश का पाया जाता है ये उड़ीसा में भी पड़ता है इधर हम गुडवाना का लैंड का क्षेत्र बताएंगे ये जो क्षेत्र है गुडवाना वाला उसका गुडवाना वाला क्षेत्र बताएंगे बाकी आप ये क्षेत्र थोड़ा जान ही लिए तो इस तरह से हम जितना बातों को बताएं चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अगर आप कुछ और जानते हैं कि रांची के बारे में ये भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी तरीका से लिख के भर दीजिए रांची के बारे में केवल क्योंकि रांची जिला बता बताएँ तो केवल रांची जिला को भर दीजिए नीचे पूरी तरीका से और अगर चीज़ें इस तरह से पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक थोड़ा दोस्त यार तक शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो वो रेड वाला बटन है ना उसको दबाकर दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद